girls with their nails done now. Girls with their nails done now. Girls with their nails done now.
with their nails done now. With their nails done now.
girls with their nails done now. Girls with their nails done now. Girls with their nails done now.
girls with their nails done now. With their nails done now. We'll be right back.
girls with their nails done now. तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पबजी मोबाइल स्क्रिम्स फीट फनाटिक गॉडल मार्कोस गेमिंग एंड बहुत सारी और टीम्स भी हैं यहां पर आज के स्क्रिम्स के अंदर। सो मैच स्टार्ट हो गए। मेरे साथ आज मेरे कोकास्टर रहने वाले हैं ओरिजिन। सो ओरिजिन, प्रेडिक्शंस की बात करी जाए? या श्योर, आई थिंक फनाटिक विल विन दिस टाइम। ओके, सो ओरिजिन सेज दैट फनाटिक के ऊपर यहाँ पर उनका जो बेसिकली दाव है वो लगाना चाहेंगे। सो फिलहाल मैच हमारा मीरावर का जो है स्टार्ट हो चुका है। प्लेन पाथ की अगर एक बार बात करी जाए ओरिजिन, तो प्लेन पाथ हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है लॉस लियोनेस के एरिया के आसपास और जाएगा पूरी तरीके से तौरे आमादा। सो एक सेंट्रल प्लेन पाथ ओवरऑल एंड टीम्स जो है अपने नॉर्मल ड्रॉप्स पे जा सकती है। कुछ एरियाज जैसे एल पोजो, ट्रेलर पार्क, लागो ब्रियारा, ये कुछ थोड़े से ऐसे एरियाज रहेंगे जहाँ पर टीम्स को थोड़ी सी दिक्कत रहेगी पहुँचने में, क्योंकि काफ़ी एक लंबा प्लेन पाथ रह जाता है वहाँ पे। सो लेट्स सी किस तरीके से ये जो प्लेयर्स है गेम को खेलते हैं एंड कहाँ कहाँ उतरा जाता है इनकी तरफ से। एंड एज ओरिजिन सेड, फनाटिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़रें रहने वाली हैं। ट्रांजिशन कर देना। सो फिलहाल प्लेन पाथ हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। पोर्टो पारिसो और चुमा सेरा वाले एरिया पे हमें देखने को अपनी नॉर्मल टीम्स ही मिलने वाली है। बट फिलहाल अर्ली फाइट्स जिसकी हम लोग हमेशा बात करते हैं, पोर्टो पारिसो के रीजन के आसपास हमें टीम नंबर 22 टीम रिप स्क्वाड के प्लेयर्स देखने वाले हैं। सो लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर खेला जाता है उनकी तरफ से। मीनवाइल टीम फनाटिक ड्रॉपिंग एट द यूजुअल लोकेशन, चुमा सेरा के आसपास ये प्लेयर्स यहाँ पर ड्रॉप लेंगे अपने लिए मैक्स कास्ट फिलहाल हमारी स्क्रीन के ऊपर लूट करते हुए। एंड लेट्स सी हाउ डज द प्लेयर्स ऑफ टीम फनाटिक प्ले एंड क्या पहला गेम, पहला ही सबसे अच्छा गेम यहाँ पर उनके लिए जाता है, क्योंकि वी ऑल नो काफ़ी अच्छा यहाँ पर चुमा सेरा के रीजन के अंदर खेलने के लिए जानी जाती है टीम फनाटिक। बट फाइट्स दे हैव ऑलरेडी बिगन इन द मैप, नॉक निकाला गया है अभी अभी यहाँ पर प्लेयर्स के ऊपर। सो लेट्स सी कहाँ पर ये जो फाइट चल रही है, आई गेस दीज फाइट्स आर गोइंग ऑन पेकाडो। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट रीजन ओवर देयर। पेकाडो की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर वेनम लेजेंड्स के प्लेयर हमें इस एरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। वेनम लेजेंड्स दे आर इन अ बिट ऑफ सिचुएशन ओवर देयर। व्हीकल का इस्तेमाल करके यहाँ पर थोड़ा सा रोटेशन देने की कोशिश करेंगे काफ़ी ज़्यादा अर्ली। सो लेट्स सी किस तरीके से वेनम लेजेंड्स के जो प्लेयर्स हैं गेम के अंदर आगे बढ़ते हैं। Going towards Impala, if I'm not wrong. Yes, they are going towards Impala, and one of the members have actually punched someone and they've killed in the beginning itself. Okay, so first kill in the game, team Venom Legends yahan par apne team ke liye nikalte hue pehla kill. So Origin, let's move on to the fights that are going on in that region of Pecado. काफी सारी teams हमें वहां पर देखने को मिल रही है। Team KS है, team Rip Squad है, team
किटकैट भी हमें नजर आएगी। सो लेट्स सी ये फाइट जो है किस तरीके से ली जाती है। फिलहाल अगर बात करी जाए काफी ज्यादा क्राउडेड है पिकाडो का रीजन, तीन टीम्स के साथ भरा हुआ है एंड ये प्लेयर्स ये टीम जो है देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से आपस में जो है फाइट्स लेती है एंड कौन सी टीम ऑन टॉप आती है। फिलहाल रिपस्कॉट करण की बात करें तो अपने लिए एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ के बैठे हुए इट्स आयरिस J9, ही इज ऑल्सो जस्ट सिटिंग इन साइड दीज पिंक बिल्डिंग्स, आराम से चिल करने की कोशिश है। सो ओरिजिन, व्हाट डू यू थिंक, हु विल विन दिस फाइट इन पिकाडो? We can actually not guess anyone to win in Picado because there will be third parties coming soon. So there will be one lucky team which will be picking up the survivors of Picado. So let's just wait and see which team comes out on the top. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, स्टार्टिंग में कुछ भी यहाँ पर बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि काफी सारी टीम्स यहाँ पर, जैसा कि हमने ऑलरेडी मैप पे देख सकते हैं हम लोग मिनी मैप के ऊपर, तीन टीम्स इस एरिया के अंदर हमें नजर आ रही हैं। सो कोई भी दो टीम फाइट लेंगी, तीसरी टीम यहाँ पर आके थर्ड पार्टी करने में बहुत ज्यादा मजा आता है सारी टीम्स को एंड वो फॉर श्योर करेंगे। मीनवाइल यहाँ पर अभी मेन बिल्डिंग की बात करी जाए, पिकाडो के स्टेडियम की बात करी जाए तो किटकैट के यहाँ पर नियॉन हमें देखने को मिल रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं एंगल बनाने का ऑन टू द प्लेयर्स ऑफ टीम नंबर 13। लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर ये जो पुश है रोका जाता है। टीम रिप स्क्वाड की बात करी जाए तो यहाँ पर पुश इन किया जा रहा है, मैक्स अक्षित ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लोज पहुंच गए हैं टीम रिप स्क्वाड के प्लेयर्स के एंड सेविएटर करण थोड़ा सा यहाँ पर दूर रहना चाहेंगे फॉर श्योर। सेविएटर विल बी द पर्सन जो कि थोड़े से स्मोक्स डालेंगे सामने वाले प्लेयर्स की जो विजन है उसको पूरी तरीके से हिंडर रखना चाहेंगे। अक्षित अपने एरिया के अंदर अभी भी थोड़ा सा इन्फो गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, सेविएटर को स्पॉट डाउन किया जाएगा, सेविएटर को जिनी काफी अच्छी तरीके से पूरी तरीके से नॉक डाउन करेंगे। मैक्स अक्षित विंचेस्टर वेपन का इस्तेमाल करके वो किल जो है अपने लिए पूरी तरीके से सिक्योर भी करेंगे। सो फर्स्ट ब्लड फॉर टीम किटकैट इन दिस वन, पहला किल जो है अपनी टीम के लिए सिक्योर करते हुए। पीछे से बात करी जाए तो KS के प्लेयर्स भी यहाँ पर टीम नंबर 20 के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, धीमे धीमे क्लोज इन करना चाहेंगे यहाँ पर टीम KS के जो प्लेयर्स है। साइनॉक्स की बात करी जाए तो फिलहाल यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश है, कसिनो के अंदर जाने की कोशिश है, अपने लिए थोड़ी सी जो और हम कह सकते हैं लूट जो है वो बढ़ाई जाएगी एंड देन ही विल कंटिन्यू द फाइट। सो लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर जो बैटल है वो चलती है। बट टीम नंबर 18 यहाँ पर शॉट देने की कोशिश कर रही टीम INES के प्लेयर्स के ऊपर, बैटल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर रॉक बैक टू बैक हमें देखने को मिलेंगे। SLR के प्लेयर यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे और पूरी तरीके से यहाँ पर टीम गॉड लाइक को वेरी अर्ली इन द गेम दे हैव बीन एलिमिनेटेड ओरिजिन। Yeah, they surely did. And this is San Martin, guys. One team has been wiped out. And Team SLX has 4 kills in the bag right now. 4 kills के साथ काफी अच्छी तरीके से ये जो टीम है अभी गेम के अंदर आगे बढ़ने वाली है। So let's move on to some other fights right now. INES के प्लेयर्स जो है Marcus Gaming के ऊपर शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो INES की बात करें तो यहाँ पर रौनक को पूरी तरीके से फिनिश ऑफ किया जाएगा, थोड़ा सा टॉन्टिंग गेम चलता हुआ उनकी तरफ से भी। बट ऑन दी अदर हैंड पिकाडो के रीजन के अंदर फाइट जो है एक बार फिर से इनिशिएट हो चुकी है टीम रिप स्क्वाड का, जैसा कि हम किल फीड में देख पा रहे हैं पूरी तरीके से सफाया कर दिया गया है बाय द प्लेयर्स ऑफ टीम किटकैट। बट इन दिस एरिया ऑफ पोर्टो पारिसो टीम Marcus Gaming के लिए सिर्फ और सिर्फ अब एक ही प्लेयर बचने वाला है। ओके सो राइट नाउ फ्यूचर स्टेशन इनकी बात करी जाए तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपने लिए जो है लूट इकट्ठा करने आए थे, एक प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पर काफी ज्यादा अर्ली जो है गेम में खो दिया इन्होंने। सो लेट्स सी फ्यूचर स्टेशन के जो प्लेयर्स है किस तरीके से खेलते हैं। मीनवाइल KS के फिर की बात करी जाए तो यहाँ पर पिकाडो के इस रीजन के अंदर कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। KS के जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए IFTI ईशान दोनों के दोनों प्लेयर्स यहाँ पर आगे जाना चाहेंगे, बट पीछे से टीम नंबर 10 के प्लेयर्स टीम किटकैट के प्लेयर्स पूरी तरीके से कवर फायर के लिए तैयार रहेंगे। शॉट यहाँ पर एक्सचेंज किए जा रहे हैं, एक नॉक निकाला जाएगा यहाँ पर मैक्स अक्षित के ऊपर काफी बेहतरीन तरीके से। फाइट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, चल हट यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, नॉक निकालने कवर देने की कोशिश है अपने टीममेट्स को, इंस्टेंटली प्रोन डाउन होंगे, स्पॉट नहीं होना चाहेंगे, प्लेयर को स्पॉट करेंगे यहाँ पर टीम KS के। ईशान को नॉक काफी अच्छी तरीके से किया जाएगा। साइनॉक की बात करें तो साइनॉक पीछे से कवर देने के लिए आ चुके हैं, बट नियॉन ही इज जस्ट कंफर्मिंग दोस किल्स फॉर हिज टीम। ईशान के ऊपर किल पूरी तरीके से कंफर्म किया जाएगा, पासा पलटने की कोशिश है, बट नियॉन ही इज द लास्ट गाय रिमेनिंग इन दिस एरिया ऑफ पिकाडो और उनके ऊपर अब यहाँ पर टीम KS के जो प्लेयर्स है धीमे धीमे पुश इन करना चाहेंगे। महराज की बात करें तो अभी भी यहाँ पर इन्फो लेने की कोशिश है, हील किया जा रहा है उनकी तरफ से, साइनॉक से जस्ट पुटिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द टीममेट्स।
कवर देने की पूरी कोशिश इनकी तरफ से रहने वाली है। नियॉन के ऊपर फाइनली एक क्वेश्चन आता हुआ साइनॉक्स की तरफ से, बट साइनॉक्स हैज बीन नॉक्ड आउट। महराज और ITFI दो प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, बट नियॉन विल ही गो फॉर दैट पुश, विल ही ट्राई टू गो फॉर दोस किल्स, क्योंकि ऑलरेडी चार किल्स निकाल लिया, एक पांचवा रॉक उनके जस्ट नीचे मिलने वाला है। बट राइट नाउ ही इज जस्ट होल्डिंग हिज एंगल्स, नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन करेंगे, एक बेहतर एंगल निकालने की कोशिश या फिर चल हट के ऊपर जो है रिवाइव देने की कोशिश रह सकती है नियॉन की तरफ से। किटकैट का ये प्लेयर फुली अराउंड यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कंपाउंड के थ्रू जाके चल हट को काफी अच्छी तरीके से रिवाइव दे सकते हैं, बट फिलहाल अपने आप को हील करने की कोशिश है। एरियल व्यू की बात करें तो यहाँ पर धीमे धीमे KS के प्लेयर्स भी जो है क्लोज इन करते हुए नजर आएंगे। नियॉन फॉल बैक किया था एंड अब यहाँ पर सक्सेसफुली चल हट को जो है रिवाइव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर रिवाइवल्स के लिए अंटिल अनलेस द प्लेयर्स ऑफ टीम नंबर 20 दे पुश इन। उनको पता है एक पर्टिकुलर लोकेशन, यहाँ पर पूरी तरीके से चार्ज इन आएगा KS के प्लेयर्स की तरफ से। साइनॉक्स एक बार फिर से पूरी तरीके से टेक डाउन कर लिए जाएंगे, ITFI आते हुए उनको भी नॉक किया जाएगा। महराज अकेले प्लेयर बचे हुए, महराज के ऊपर भी शॉट दिए जा रहे, बट नियॉन काफी ज्यादा लो ऑन HP कर दिए जाएंगे, बट महराज विल आल्सो बी टेकन डाउन। एक और यहाँ पर स्क्वाड एलिमिनेशन यहाँ पर ऑलमोस्ट आ गया था, नियॉन अकेले प्लेयर बचे हुए, सेम गोज फॉर द प्लेयर ऑफ टीम नंबर 20 एज वेल KS के। महराज काफी ज्यादा HP है उसके पास कंपेयर टू नियॉन, नियॉन इज वेरी लो ऑन HP राइट नो। बैंडेजेस लगाने का यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहेंगे। महराज आगे की तरफ मूव इन करते हुए, महराज नोज एग्जैक्ट लोकेशन फॉर दिस प्लेयर, नियॉन के साथ यहाँ पर महराज का होता हुआ, महराज आगे की तरफ करना चाहेंगे, महराज के ऊपर काफी अच्छी तरीके से हेडशॉट करने करेंगे नियॉन इंस्टेंटली वेपन स्विच करके। महराज इज आल्सो क्वाइट लिट ऑन HP, इंस्टेंटली ड्रॉप डाउन करेंगे, ही इज गोइंग फॉर दोस फर्स्ट एड्स। दिस विल बी द टाइम फॉर नियॉन एज वेल टू गेट हिमसेल्फ हील्ड अप। जितनी HP है उतनी HP बनाई जा सके एंड उसके ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश रहने वाली है यहां पर नियॉन की तरफ से। लेट्स सी विल नियॉन बी एबल टू क्लच इट आउट और नॉट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन। HP सजेस्ट अदरवाइज, बट महराज once again enters the compound, trying to throw that utility, trying to throw that grenade, trying to get damage upon that player of team number 20. But yahan par neon aage ki taraf charge down karenge, mehraz ko bhi apne equal HP tak la chuke hain neon. 1v4 situation ke andar kya ye battle apni team ke liye jeet sakte hai, kya yahan se neon jo hai ye clutch apne liye nikal sakte hai, 3 kills already hain. Mehraz fir se ek bar aage ki taraf push in karna chahenge, ji nahi, wo bhi thoda sa heal back karte hue, bandages ka sound बिल्कुल आया होगा यहाँ पर नियॉन को। नियॉन किस तरीके से अब यहाँ पर महराज के अगेंस्ट ये फाइट लेना चाहेंगे, महराज को इंस्टेंटली यहाँ पर पुश इन करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, ये सारी चीजें नियॉन के ऊपर अभी डिपेंड करती है। नियॉन मूवमेंट भी ज्यादा नहीं दी जा सकती, पीछे की तरफ फॉल बैक करना चाहेंगे लेज ग्रैब का इस्तेमाल करके, अब यहाँ पर पीछे की तरफ फॉल बैक कर सकता है ये प्लेयर नियॉन, ही हैज बीन एबल टू एस्केप येट अगेन, फिर से एक बार पिंक बिल्डिंग्स के आसपास जाना चाहेंगे एंड महराज ही जस्ट चेजिंग हिम डाउन अगेन एंड अगेन, बट नियॉन हमेशा ऑन टॉप आ जाते हैं। स्पॉट किया नियॉन को, शॉट्स लिए, बट दो शॉट्स वोंट बी इनफ एनी टाइम सून, क्योंकि नियॉन जो है काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर इवेसिव मेजर्स जो है अप्लाई करते हुए। महराज एक बार फिर से नियॉन को स्पॉट करेंगे, फ्लोर्स बैक टू बैक यहाँ पर नियॉन की तरफ से चेंज होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, बट इंस्टेंटली यहाँ पर बिल्डिंग भी चेंज करते हुए नियॉन जस्ट गोस टुवर्ड्स दैट एडजेसेंट बिल्डिंग, ट्राइंग टू फाइंड दैट फर्स्ट एड, ट्राइंग टू फाइंड एटलीस्ट सम बैंडेजेस सो दैट ही कैन डील डैमेज ऑन टू दैट प्लेयर। फिलहाल बिल्डिंग चेंज हो गई है सो महराज अभी ज्यादा ऐसे शॉट्स नहीं ले सकते, नियॉन माइट जस्ट हैव एन अपॉर्चुनिटी। पीक फाइट यहाँ पर होते हुए दोनों ही प्लेयर्स को एक दूसरे की लोकेशन पता है, बट महराज इज इन एन एडवांटेजियस पोजिशन, काफी अच्छी जगह पे है, काफी अच्छी लोकेशन है उनके पास और HP भी नियॉन के पास बहुत ज्यादा कम है, बट द शॉट्स आर स्टिल बीइंग फ्लश्ड इन बाय दैट प्लेयर। महराज अभी भी बैक टू बैक शॉट्स करने की कोशिश कर रहे हैं और नियॉन की बात करें ही इज जस्ट गेट कीपिंग दैट एंगल, उनको पता है बहुत ज्यादा क्विकली अगर इस प्लेयर को आना पड़ेगा तो दैट इज जस्ट गोइंग टू बी दैट एरिया। But let's see किस तरीके से ये जो फाइट है इट कम्स टू एन एंड, महराज फाइनली गोज फॉर दैट लेज ओवर देयर, आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। महराज ऑलरेडी बिल्डिंग को जो है क्रॉस कर चुके हैं, नियॉन माइट नाउ नो दैट महराज इज जस्ट नियर हिम, KS के महराज सारे स्टेप्स यहाँ पर फूक के लिए जा रहे हैं, उनको पता है तीन प्लेयर्स उनके सेम गलती कर चुके हैं और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था, तो वो सेम गलती बिना चेक किए कॉर्नर्स को नहीं जाना चाहेंगे। फिलहाल एक बहुत ज्यादा मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग ड्रॉप अगर यहाँ पर महराज ले लेते हैं तो ये बन सकता है गेम में, बट नहीं
पूरी तरीके से ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चले जाएंगे और जंप डाउन करेंगे. नियॉन विल गेट दैट साउंड और इंस्टेंटली नियॉन जो है फिर से अपनी लिप बिल्डिंग जो है चेंज करना चाहेंगे. जी नहीं, नियॉन गोज फॉर दैट ड्रॉप एज वेल. साउंड यहाँ पर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. दिस इज जस्ट अ कैट माउस चेज राइट नाउ फॉर बोथ ऑफ दिस टीम. नियॉन इज ट्राइंग टू गेट जस्ट अवे फ्रॉम दिस पोजिशन, बट मीनवाइल टीम नंबर 21 टीम T4M, लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर ये जो प्लेयर है फाइट लेता है. कार 98 है, 8x स्कोप है, प्लेयर्स को स्पॉट करने की कोशिश है बट एज सच किसी को भी स्पॉट नहीं कर पाए. सो लेट्स सी किस तरीके से ये जो टीम नंबर 21 के प्लेयर हैं ये किस तरीके से गेम को जो है खेलता है. बट मीनवाइल द फाइट हैज ऑलरेडी बिगन बिटवीन द प्लेयर्स ऑफ टीम INES. शॉट यहाँ पर फायर किए जा रहे हैं, प्लेयर यहाँ पर आगे की तरफ पुशिंग करते हुए आयरॉनिक यहाँ पर PXBT के इल्यूजन के ऊपर नॉक निकालेंगे. क्लच उनको इंस्टेंटली फ्लश ऑफ भी करेंगे, फिनिश ऑफ भी करेंगे. सो टीम INES गेटिंग वन मोर किल फॉर देम. स्मोक भी डाला जाएगा ताकि अपने लिए जो है वो कवर बनाया जा सके पूरी तरीके से, उस कवर में ये प्लेयर्स जो है खेल सके आराम से, सो दैट नो अदर प्लेयर और नो अदर टीम इज एबल टू थर्ड पार्टी देम. डाउन टू द लास्ट 47 प्लेयर्स, डाउन टू द लास्ट 14 टीम्स. लेट्स सी विल टीम फनाटिक द प्रेडिक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग, विल दे विन दिस गेम और नॉट अ रीजन. Yeah, and team number 17 right now, all the teams are right now rotating inside. We might see a lot of fights soon. And look near graveyard where we can find team A1 Esports as well as team Fnatic, which are very close to each other. They are taking the high ground. Meanwhile, team KS as well as we have Neon here still fighting it out. It's like Tom and Jerry if you ask me. Yeah, that fight is going on for a long, long time, but still hasn't come to an end. But one thing that is quite brilliant for that player over there, Neon ko first aid mil chuki hai. Neon apne aap ko heal karne mein kamyab ho chuke hai. So ab main keh sakta hu ek even Steven fight reh sakti hai dono hi players ke beech mein, Mehraz aur agar baat kari jaye yahan par Neon ki. But still, ab mujhe nahi lagta yahan par dono mein se kisi bhi player ke idea hai samne wale player ki location ka. Mehraz is just sitting in hope ki yahan par Neon koi galti kare, road cross karne ki galti kari jaye, but I don't think so. Wo galti kisi bhi tarike se repeat kari jane wali hai Neon ki taraf se. On the other hand, Fnatic Max Cash just holding down his positions, power grid ke ridge ke upar aur yahan par Pekado ke just north side pe main kahunga. प्रोनाउन है मैक्स काश मिनी 14 DMR स्पेशलिस्ट फॉर टीम फनाटिक. काफ़ी अच्छी DMR हमें यहाँ पर चलाते हुए देखने को मिले भी हैं एंड लेट्स सी क्या है वो काम यहाँ पर किया जा सकता है. द स्नाइपर स्पेशलिस्ट फॉर टीम फनाटिक फ्रैंकी, लेट्स सी M24 है, 8x है वेपन, दैट बेस्ट वेपन पॉसिबल राइट नाउ. ऑम नहीं है क्योंकि अभी तक प्लेयर ड्रॉप के ऊपर नहीं गए, बट द फाइट ऑन सम अदर प्लेयर्स हैज ऑल्सो स्टार्टेड एज वेल. सो लेट्स सी फाइट जो है किस तरीके से वो निकल के आती है. बट राइट नाउ फ्रैंकी एश इन सारे प्लेयर्स की बात करी जाए तो मल्टीपल एंगल्स मल्टीपल डायरेक्शन जो है इन्होंने कवर कर रखी है, प्लेयर्स को स्पॉट करने की कोशिश है इनकी तरफ से. एश की बात करी जाए तो मिनी 14 ये प्लेयर रॉक कर रहा है, ये प्लेयर एमो सेव करने के लिए सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पर सेकेंडरी वेपन, दे प्रेफर इट टू गेट टू बी अ DMR. बट लेट्स लुक ऑन टू द प्लेयर्स ऑफ टीम नंबर 7, यहाँ पर व्हीकल का इस्तेमाल करके रोटेट करने की कोशिश है इनकी तरफ से टीम ऑरेंज रॉक. बट मीनवाइल यहाँ पर फाइट जो है टीम नंबर 21 एक बार फिर से अपने लिए जो है चालू कर चुकी है. टीम SOB हैज स्टार्टेड टू फाइट राइट नाउ. शॉट्स लिए गए थे बट आई थिंक सो वो थोड़े से लगी शॉट्स थे, हेल मैरी शॉट्स थे कि अगर नॉक मिलता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा. नॉक निकाला भी गया एंड द पुश कम्स इन ऑन टू द प्लेयर्स ऑफ टीम नंबर 11. विंडी यहाँ पर चार्ज लीड करते हुए आगे की तरफ पुश इन करना चाहेंगे. विंडी बैरल है उनके पास, लेट्स सी इस बैरल का किस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट द प्लेयर्स ऑफ टीम नंबर 11. शॉट विल जस्ट बी फायर्ड, यहाँ पर स्पॉट किया जाएगा, काफ़ी अच्छी एंट्री निकाली जाएगी SOB एंट्री की तरफ से. नाम की तरह काम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. विंडी उनको पूरी तरीके से फ्लश करेंगे, पूरी तरीके से एलिमिनेट करेंगे. फाइनल बॉस दांगी एंड वन मोर प्लेयर फॉर टीम नंबर 11 इज स्टिल सर्वाइविंग. सो लेट्स सी ये प्लेयर जो है कितनी देर तक सर्वाइव कर पाता है. दांगी के ऊपर अभी यहाँ पर ग्रेनेड डाले जाने वाले. एंट्री ट्राइंग टू गेट वन मोर एंट्री फ्रैग ऑन टू द प्लेयर्स ऑफ टीम एनिग्मा गेमिंग. दांगी विल माइट जस्ट गेट नॉक्ड आउट होता है बट नहीं, रूम का यहाँ पर डिफरेंस होता हुआ जिस वजह से नॉक नहीं किया गया. फाइनल बॉस की बात करी जाए तो ही इज ऑल्सो गेटिंग सब्जेक्टेड टू मेनी शॉट्स राइट नाउ. बैक टू बैक के ऊपर शॉट्स किया जा रहा है, आगे पुश इन करने की कोशिश थी. फाइनल बॉस को भी पूरी तरीके से यहाँ पर टेक डाउन किया जाएगा बाय द प्लेयर्स ऑफ टीम SOB. मीनवाइल यहाँ पर अगर बात करी जाए तो टीम नंबर 14 भी हमें काफी हाई रेंज पे देखने को मिल रही है. टीम A1 Esports ट्राइंग टू डील सम डैमेज ऑन टू देयर एनिमी प्लेयर्स. एक लॉन्ग रेंज फाइट चल रही है यहाँ पर मल्टीपल टीम्स के साथ और रेंज रॉक के ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं टीम नंबर 14 के प्लेयर्स एंड A1 Esports दे विल जस्ट बी लुकिंग टू गेट सम डैमेज डन अपॉन देयर एनिमी प्लेयर्स. गिल की बात करी जाए दूसरी तरफ तो मिनी 14 उनके पास भी रहने वाली है. उनके जस्ट सामने कॉम्पाउंड के अंदर अपनी नज़र जो है वो पूरी तरीके से बना के रखना चाहेंगे मिनी 14 का इस्तेमाल करके. ऑलरेडी
ऑलरेडी 4 से 5 केस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है टीम ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने, एंड इन केस को अब किस तरीके से यहाँ पर और बढ़ाया जा सकता है देखने वाली बात रहेगी। बट फिलहाल रिवाइवल का जो सिलसिला है वो चालू करना पड़ेगा। कैरेमिल को नॉक किया गया है यहाँ पर हेडशॉट का इस्तेमाल करके, कार 98 द वेपन दैट जस्ट यील्ड्स अ डैमेज ऑन टू देयर एनिमी प्लेयर राइट नाउ। बट रिवाइवल ये भी आएंगे गिल की तरफ से सक्सेसफुली, कैरेवेल को जो है रिवाइव किया जाएगा, एंड टीम फनाटिक ऑन द अदर हैंड दे आर ट्राइंग टू पुश इन अपॉन देयर एनिमी प्लेयर्स राइट नाउ। फनाटिक के प्लेयर्स काफी ज्यादा क्लोज इन कर चुके हैं हाई ग्राउंड के लिए, यहां पर ये फाइट रहने वाली है विद द प्लेयर्स ऑफ टीम नंबर 14। लेट्स सी किस तरीके से A1 Esports के जो प्लेयर्स है टीम फनाटिक का ये पुश करते हैं। मैक्स काश ट्राइंग टू गो फॉर दोस यूटिलिटी प्लेयर्स, ट्राइंग टू स्मोक हिज वे आउट ऑफ दिस पोजीशन, और धीमे धीमे जो है क्लोज इन करना चाहेंगे टीम नंबर 14 के प्लेयर्स के ऊपर। A1 Esports डाउन टू 3 प्लेयर्स, ट्रेड किया जाएगा एंड पूरी तरीके से एलिमिनेट भी करेंगे फ्रैंकी, ही विल गेट दैट रिवाइवल एज वेल। एज की बात करिए तो अपने शॉट कंटिन्यू करते हुए एज कम्स अप विद अनदर नॉक एंड लास्ट प्लेयर हैज आल्सो बीन टेकन डाउन, डोंट पुटिंग द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर टीम A1 Esports एंड ही हैज बीन एलिमिनेटेड। बट अभी भी एक्शन खत्म नहीं हुआ है, एज यहाँ पर इंस्टेंटली ओआर के गिल के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ओआर के गिल के ऊपर शॉट देने की कोशिश कर रहे थे, बट फाइनली स्विचेस डाउन, थोड़ा सा नीचे की तरफ खेलना चाहेंगे अब यहाँ पर, पहले अपने लिए लूट करेंगे एंड देन ही विल रीपीक दैट एंगल। ओआर गिल को एक बार फिर से यहाँ पर दिक्कतों में डालने की कोशिश रहेगी, टीम बनाटे पहले कुछ किल्स निकाल लिए गए उनकी तरफ से ओरिजिन। Yeah, they just made up 3 kills. This is their starting of the battle, guys. They have 3 kills in their back and now right in front of them we have Ohar Gill and his team. And I just want to check meanwhile of Neon here. Did he kill the other person? He is running out of Picado right now. I guess he did because last time that we saw this guy, they had 5 kills if I'm not wrong. Okay, no, Neon had 3 kills. So I guess Neon ki taraf se yahan par fall back hi kiya gaya hai. क्योंकि नियॉन के पास पहले भी 3 किल्स थे, अभी भी यहाँ पर 3 ही किल्स हैं, सो दैट गाय शुड बी स्टिल अलाइव, और या फिर किसी और प्लेयर्स की तरफ से उनको पूरी तरीके से एलिमिनेट किया गया होगा। सो नियॉन अपनी टीम का झंडा अभी भी लहराते हुए कि कैट को अभी भी गेम के अंदर बरकरार रखा जाएगा इनकी तरफ से। पिकाडो के आसपास यहाँ पर अपने व्हीकल का जो है इस्तेमाल करने की कोशिश है नियॉन की तरफ से, व्हीकल को पूरी तरीके से यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से यूज करके नियॉन जो है बेहतर पोजीशंस के अंदर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट सर्कल भी हमारा फॉर्म होता हुआ, इस बार एक हमें काफी ज्यादा हार्ड वेस्टर्न शिफ्ट देखने को मिलेगा सर्कल का, पावर ग्रेड ग्रेवियर्ड के बीच में यहाँ पर इन रिजेस के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट सर्कल बनता हुआ, एंड टीम फनाटिक इन सेंटर ऑफ ऑल ऑफ दैट। इनके पास एक काफी ज्यादा कमांडिंग, इनके पास एक काफी ज्यादा बेहतरीन लोकेशन रहने वाली है। सो लेट्स सी फनाटिक के प्लेयर्स इस पोजीशन से कितने किल्स यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि द टीम फनाटिक द टाइनो दे कैन गेट एटलीस्ट 10-15 किल्स फ्रॉम दिस लोकेशन। INES की बात करी जाए तो इनको भी अभी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जो गेम है वो खेलते हैं एंड क्या यहाँ पर किसी भी तरीके के जो अपनी टीम के लिए खेल्स है वो निकाल पाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जोन इनके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। दे आर इनसाइड द जोन, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए इनको रोटेशन देने के लिए, दे जस्ट हैव टू सिट इन दिस एरिया। बट टीम फनाटिक ऑन द अदर हैंड दे आर ट्राइंग टू टेक सम शॉट्स एज वेल, मिनी 14 के रैंडम शॉट्स है, हेल मैरी शॉट्स है। फ्रैंकी की बात करी जाए तो यहाँ पर इंस्टेंटली नियॉन के ऊपर हेड शॉट कनेक्ट करने की कोशिश है, बट थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहूँगा मिस होता हुआ शॉट, जिस वजह से अभी भी वो जो किल है वो नहीं कंफर्म कर पाए, एंड फ्रैंकी विल फॉर श्योर रीपीक दैट एंगल, ट्राई टू गेट सम किल्स फॉर हिज टीम। उनके आसपास यहाँ पर बात करी जाए तो द डूड मिनी 14 का इस्तेमाल कर रहे हैं, डैमेज डील करने की कोशिश है, एंड लेट्स सी क्या यहाँ से टीम फनाटिक के प्लेयर्स अपने लिए एटलीस्ट टॉप 5 पोजीशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओरिजिन दे शुड सिक्योर एटलीस्ट अ टॉप 5 पोजीशन। या दे विल इजीली मेक इट इनटू द टॉप 5 बिकॉज़ it's not easy to approach these mountains, so people will be laying back, even though if they get a knock on Fnatic it will be very hard to push these ridges, so I hope they'll get into the top 3 at least. ओके, सो रिजन की तरफ से यहाँ पर आता हूँ, टॉप 3 तो एटलीस्ट पहुंचना चाहिए ना, आई फॉर श्योर अग्री क्योंकि फनाटिक जैसी टीम ऐसे सर्कल्स के अंदर बिल्कुल दौड़ा दौड़ा के प्लेयर्स को अपने सामने वाले मारती है, बिल्कुल भी कहीं से भी एंगल जो है क्रिएट अगर कर लिया टीम फनाटिक ने तो दे आर फॉर श्योर गोइंग टू गेट सम किल्स। मीनवाइल गिल की बात करी जाए तो यहाँ पर नीचे की तरफ स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्पॉट करी गई है उनकी तरफ से, रोटेट करते हुए शॉट्स लिए जा रहे हैं यहाँ पर गिल्स की तरफ से, बट गिल अभी तक यहाँ पर नॉक निकालने में कामयाब नहीं हुए, शॉट्स अपने कंटिन्यू करना चाहेंगे यहाँ पर। फ्री स्टाइल के प्लेयर्स के ऊपर डैमेज काफी ज्यादा अभी डील कर दिया गया, थ्रोएबल्स यूटिलिटी सारी की सारी चीजों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। टिम टिम के ऊपर वो ग्रेनेड का नेक भी होगा, नॉक निकाल दिया गया यहाँ पर फ्यूचर सिस्टम के इस प्लेयर के ऊपर,
फ्यूचर स्टेशन दे आर इन अ बिट ऑफ ट्रबल आर्टेमिस लोकेशन के अंदर अकेले प्लेयर बचे हुए किल M4 6X रैंडम शॉट्स विंडो के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश है बट पीछे से फिनटॉक्स के एक्सप्लिसिट डैमेज डील करने की कोशिश में आए थे बट कैरामेल उनको इंस्टेंटली स्पॉट करेंगे नॉक किया जाएगा एंड नाउ आर्टेमिस इसका इस्तेमाल करके पहुंच चुके हैं डिम डिम उस पर्टिकुलर एक शैक के अंदर रिवाइवल यहां पर आर्टेमिस देने की कोशिश कर रहे हैं बट आर्टेमिस ही विल गेट इंसर्ट अपॉन बाय डिफरेंट एंगल इस शैक के आप अगर बाहर आए तो आपकी मौत है और बाहर नहीं आए तो आपको टीम और ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स घुस के पूरी तरीके से बिल्कुल इस तरीके से एलिमिनेट करेंगे। चार और किल्स, टीम ऑरेंज रॉक ऑन फायर राइट नाउ, 7 किल्स के साथ ये टीम खेल रही है ऑन द रन। टीम नंबर 21 येट अगेन इनटू अनदर फाइट, अपने रोड अक्रॉस जो नेबर्स हैं उनको हाई बोलने की कोशिश है उन ग्रेनेड का इस्तेमाल करके। लेट्स सी विल दोस ग्रेनेड्स फ्रॉम टीम एसओबी कनेक्ट ऑन टू द प्लेयर्स ऑफ टीम नंबर 16, क्या ये ग्रेनेड जो है सक्सेसफुली कनेक्ट होंगे ऑन टू द प्लेयर्स ऑफ टीम प्रेडेटर एक्स बाइट, देखने वाली बात रहेगी। एंड फिलहाल नॉक किया गया है टीम नंबर 16 के एक प्लेयर को, रिवाइवल की जो प्रक्रिया है यहाँ पर टीम PXB के ऊपर चालू करनी पड़ेगी। दो ही प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं इनके लिए एंड खान सोलो के ऊपर भी काफी सारे शॉट्स लिए जा रहे हैं बट द स्मोक्स दे विल जस्ट ब्लूम इन टाइम। काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर इस प्लेयर को जो है स्पॉट नहीं करने देने के लिए वो जो स्मोक है परफेक्ट टाइम पे ब्लूम करता है एंड इट विल सेव हिज लाइफ। कॉपर को यहाँ पर सक्सेसफुली जो है रिवाइवल दे दिया जाएगा बाय दिस प्लेयर खान सोलो बट फाइट यहाँ पर टीम FS के प्लेयर्स के अगेंस्ट टीम वेनम लेजेंड्स ने छेड़ी थी एंड वो फाइट पूरी तरीके से खत्म भी कर दिया। सिर्फ सिर्फ एक प्लेयर नॉक कर पाई थी सामने वाली टीम एंड टीम वेनम दे कैपिटलाइज्ड ऑन इट, अपने लिए 4 किल्स ऑन द बोर्ड निकाल के जा चुकी है एंड ग्रेवयार्ड के एरिया के अंदर फिलहाल जोन के अंदर भी मूव करना पड़ेगा वेनम लेजेंड्स के प्लेयर को बट शराफत वन ऑफ देम ही हैज ऑलरेडी टेकन द चार्ज राइट नाउ जोन के अंदर। शराफत जो है ऑलरेडी मूव इन कर चुके हैं। वॉइड की बात करी जाए तो ये प्लेयर भी बगी में अपने टीममेट के साथ बैठ के जोन के अंदर पहुंचेंगे एंड जोन थोड़ा सा इनका लेगा बट मीनवाइल फनाटिक के प्लेयर्स यहां पर उनके ऊपर चार्ज डाउन किया जा रहा है बाय द प्लेयर्स ऑफ टीम नंबर 22। ये चार्ज डाउन कितना ज्यादा खराब रह सकता है उनके लिए अभी टाइम ही हमें बताने वाला है। शॉट्स लिए जा रहे हैं, मैक्स काज की बात करी जाए तो 3x के साथ बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार रहने वाले हैं एंड लेट्स सी फनाटिक के प्लेयर्स क्या यहां से अपने लिए कुछ किल्स और बटोर सकते हैं। हाई ग्राउंड का इलाका है इनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेट माना जाता है टीम फनाटिक के लिए एंड लेट्स सी हाउ डू दे कैपिटलाइज ऑन इट। फिलहाल वेनम शराफत और देयर एनिमी टीम राइट नाउ स्प्रे लिए जा रहे हैं टीम नंबर 17 के प्लेयर्स के ऊपर, डैमेज काफी ज्यादा डील किया गया है बट किल अभी तक एज सच सिक्योर नहीं कर पाए बट द नॉक कम्स इन एज वेल। प्लेयर किसकी तरफ से था ये कुछ ही देर में हमें पता चलेगा किल फीट के अंदर बट दैट वाज इट फ्रॉम देयर एनिमी प्लेयर्स। फनाटिक के मैक्स का जाबर स्पॉट करेंगे और एक किल अपने लिए काफी अच्छी तरीके से और सिक्योर करेंगे ऑन टू दैट प्लेयर ऑफ टीम 4ARC काउंटर को पूरी तरीके से फिनिश किया। ग्रेनेड डालने की कोशिश है उनको बताया INES के एक प्लेयर जो है एक सक्सेसफुली उनकी जस्ट नीचे पहुंच चुके हैं सो वो एक थ्रेट रह सकता है उनके लिए एंड यूटिलिटीज आर बीइंग थ्रोन इन दैट डायरेक्शन ओवर देयर बट जस्ट लुक एट दैट जोन ओरिजिन पूरी तरीके से टीम फनाटिक के प्लेयर्स को फेवर करता हुआ ऊपर चढ़ने देना अब बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है टीम्स के लिए। Yeah, surely it's going to be very tough and I told you that it's top 3 for sure so you can count on me they are going to make it top 3 for sure and meanwhile Gil is here doing his best to survive and he has 7 kills here. The only sad thing is they have only 30 seconds to get into the zone but they have to take a fight here with team number 21. नंबर 21 SOB बिल्कुल भी आसानी से यहां पर एलिमिनेट होने वाली नहीं है। टीम ऑरेंज आर गोइंग टू बी इन अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल बट ऑन द अदर हैंड टीम फनाटिक के प्लेयर्स पोपो फ्रैंकी पोपो काफी अच्छी तरफ से एक किल अपनी टीम के लिए काफी बेहतरीन तरीके से सिक्योर भी करेंगे। मल्टीपल डायरेक्शन में मल्टीपल फाइट चल रही है, 5 टीम अलाइव है और टीम वेनम की बात करी जाए तो ज्यादा नहीं सिर्फ और सिर्फ 20-25 मीटर जोन के अंदर बढ़ना है इनको तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। एक प्लेयर वॉइड की बात करें तो ऑलरेडी जोन के अंदर जो है अप्रोच कर चुके हैं सो टीम वेनम लेजेंड्स दे आर आल्सो इन अ गुड पोजीशन बट टीम फनाटिक अगर आप बात करें उनकी लोकेशन की तो अगर आप वेनम के जो प्लेयर्स है फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो वो सामने वाले बिल्डिंग के 30th फ्लोर पे सो वो एक एंगल जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पर टीम वेनम लेजेंड्स के प्लेयर के ऊपर टीम फनाटिक के लिए दैट इज गोइंग टू डील नॉट ओनली ऑन टीम वेनम लेजेंड्स बट ऑन ईच एंड एवरी टीम दैट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी। एसओबी के प्लेयर्स वो आर गिल के ऊपर नॉक निकालेंगे जोन के अंदर जाने के लिए व्हीकल का इस्तेमाल करके सक्सेसफुली पहुंच तो जाएंगे जोन के अंदर बट अब यहां से जो रास्ता है काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है एंड फ्रैंकी यहां पर वेनम स्टील शॉट के ऊपर भी नॉक निकालेंगे। वेनम के प्लेयर्स यहां पर दिक्कतों में आ चुके हैं, 2 प्लेयर्स नॉक कर दिए गए हैं। वॉइड यहां पर रिवाइव के लिए जा तो रहे हैं बट इन टाइम हो गए, अभी यहां पर सर्कल ऑलरेडी क्लोज इन हो चुका है, नेक्स्ट सर्कल इन 60 मीटर्स और जोन के अंदर जाना पड़ेगा इन्हें। फ्रैंकी की बात करें हाई ग्राउंड एडवांटेज एक बार फिर से
स्पेन के फेवर में जाएगा। काफी अच्छी तरीके से ये प्लेयर जो है जोन में ही रहेगा। फ्रैंकी अगेन ट्राइंग टू गो फॉर द स्वीप्स अगेंस्ट द प्लेयर्स ऑफ टीम वेनम लेजेंड्स। हाई ग्राउंड एडवांटेज का पूरी तरीके से फायदा उठाना चाहेगी टीम फनाटिक जो है, इंस्टेंटली अपने लिए अपने आप को भी जोन के अंदर बना के रखना चाहेंगे। सो ये एक मैं कहूंगा काफी ज्यादा अच्छा एरिया टीम फनाटिक के लिए बन के आता हुआ। वेनम लेजेंड्स के प्लेयर्स उनके ऊपर शॉट लेने की कोशिश कर रहे थे बट इंस्टेंटली थर्ड पार्टी की वजह से शट डाउन कर दिए गए। 30 seconds टू गेट इन साइड जोन टीम नंबर 7 की बात करी जाए तो यहाँ पर वो टीम भी अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है। एज कम्स अप विद नॉक ऑन टू द प्लेयर ऑफ टीम T4M। अभी अभी यहाँ पर नॉक किया गया, उनको पूरी तरीके से किल कन्फर्म भी करना पड़ेगा। But now the shots are coming in, the players are trying to rotate inside zone। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतों में पड़ चुके हैं। Venom Legends की बात करी जाए तो बस यहाँ पर भागे जा रहे हैं, होप कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके का जो शॉट है इनके ऊपर ना लगे। But team Venom Legends, they are just getting shut down by the players of team Fnatic। बात करी जाए अगर यहाँ पर स्टील शॉट की, अकेले प्लेयर अपनी टीम के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, इनको भी स्पॉट किया जाएगा और पूरी तरीके से यहाँ पर टीम SOB की तरफ से टेक डाउन किया जाएगा। बट फाइट्स आर ऑलरेडी स्टार्टेड ओवर देयर। एक और किल SOB के विंडी अपने लिए सिक्योर करेंगे और पूरी तरीके से ऑरेंज रॉक की स्क्वाड को एलिमिनेट किया जाएगा टीम SOB की तरफ से। वी आर डाउन टू द लास्ट 3 टीम्स रिमेनिंग। 11 किल्स ऑलरेडी टीम फनाटिक के पास आ चुके हैं, जोन टू जोन इनके ऊपर ही बनाए एंड नाउ दे आर जस्ट रैकिंग हैवॉक ऑन ईच एंड एवरी पॉसिबल टीम। अभी भी 3 टीम्स अलाइव है बट तीनों की 3 टीम्स यहां पर लोअर ग्राउंड पे है टीम फनाटिक के लिए। जस्ट लुक एट दैट एंगल, फनाटिक के पास एक बहुत बेहतरीन एडवांटेज है पर अब यहां पर जोन के अंदर मूवमेंट करना पड़ेगा टीम फनाटिक 15 से 20 meters जोन के अंदर एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टीडियस जॉब। लो ग्राउंड पे जाना है आपको एंड लो ग्राउंड पर ऑलरेडी जो टीम है आपका वेट करने वाली है। SOB के प्लेयर को स्पॉट किया जाएगा, एज की तरफ से शॉट किया गया है, रॉजर को नॉक किया जाएगा यहां पर काफी बेहतरीन तरीके से और थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करते हुए एज इज ट्राइंग टू मेक सम एंगल्स ऑन टू द प्लेयर्स ऑफ टीम SOB। क्या यूटिलिटीज अभी भी बात बची है। फ्रैंकी की बात करें तो फ्रैंकी काफी ज्यादा अग्रेसिव जाते हुए फ्रैंकी एक नॉक निकालेंगे यहां पर टीम SOB के प्लेयर को। फ्रैंकी ट्राइंग टू गो फॉर दैट बैरल, नो स्कोप एंड ही फॉर श्योरली गेट्स दैट। और किल्स अपने लिए यहां पर टीम फनाटिक 3 और किल्स अपने लिए सिक्योर करते हुए बट ग्रेनेड फ्रॉम टीम INESS प्लेयर ओवर देयर नॉक्स डाउन मैक्स काश। 4v2 की फाइट रहेगी, INESS ब्लू आईटी आगे की तरफ मूविंग करने की कोशिश करेंगे बट इंस्टेंटली आज का जो एंगल है यहां पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है एंड पूरी तरीके से टीम INESS को एलिमिनेट करेंगे एंड टीम फनाटिक द प्रेडिक्शन फ्रॉम ओरिजिन वाज लिटरली राइट ऑन पॉइंट। ओरिजिन, हाउ डिड यू जस्ट प्रेडिक्ट दैट सो करेक्टली? आई जस्ट केप्ट माय कंप्लीट बिलीव्स ऑन फ्रैंकी एंड नोइंग द टीम फनाटिक्स परफॉर्मेंस, या वी नो हाउ दे प्ले एंड आई नो दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम coming back to these matches they will come back really strong। Okay, so some gut feeling from Origin, it helps team Fnatic काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर टीम Fnatic को उसने हेल्प किया है। चिकन डिनर ने कलवाया एंड नॉट जस्ट अ वेरी इजी चिकन डिनर, जस्ट लुक एट दीज गाइज किल। 15+ चिकन डिनर बोला था मैंने कि अगर बैक टू बैक जोन इनके ऊपर बनने हैं, 16 किल का चिकन डिनर टीम Fnatic यहाँ पर बहुत ही आराम से यहाँ निकालते हुए। कभी ऐसा नहीं लगा कि टीम फनाटिक के प्लेयर्स जो है प्रेशर में हो, कभी ऐसा नहीं लगा कि टीम फनाटिक ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन आ गई है या थोड़ी सी दिक्कत में आ रही है एंड दे जस्ट मेड इट हैपन। पहला गेम ऑफ द डे, पहला गेम ऑफ द टूर्नामेंट एंड दे जस्ट विन इट इन स्टाइल विदाउट एनी डिफिकल्टी। सेकेंड पोजिशन की बात करें INESS, स्टार्टिंग में इन्होंने अपना एक प्लेयर खोया था, उसके बाद की इनकी जो जर्नी थी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी बट उसके अंदर किसी तरीके से इन्होंने सर्वाइव किया। 7 kills के साथ सेकंड पोजीशन पे एंड किया है इन्होंने। थर्ड पोजीशन टीम SOB, किल्स के मामले में ये टीम काफ़ी अच्छा खेली है, काफ़ी अच्छे इन्होंने किल्स भी निकाले, 11 kills निकाले। थर्ड पोजीशन पे इन्होंने एंड किया। फोर्थ पे टीम ऑरेंज रॉक विद सम किल्स एज वेल, 7 kills के साथ। फिफ्थ पे वेनम लेजेंड्स की टीम आती है विद 8 kills फॉर देम। 6th पे टीम PXBIT आती है विदाउट एनी किल। 7th पे टीम 4ARK विद 3 kills इन देयर बैग। 8th पोजीशन की बात करें तो टीम FSGSM आती है विदाउट एनी किल। 9th पे टीम किट कैट जेनी का न्यून का लास्ट में जो कैट एंड माउस चेज था, दैट वाज जस्ट वेरी फन टू सी ओवर देयर, 6 kills के साथ 9th पे एंड किया। 10th पे टीम फिनटॉक्स आती है 0 kills के साथ। 11th पे टीम एसिड विदाउट एनी किल। 12th पे टीम A1 Esports आती है 4 kills के साथ। 13th पे टीम KS विद 4 kills। 14th पे टीम एनिग्मा गेमिंग विदाउट एनी किल। 15th पोजीशन की बात करी जाए तो टीम SLXGR आती है विद 4 kills। 16th पे टीम मार्कस गेमिंग विदाउट एनी किल। 17th पे रिप स्क्वाड विदाउट एनी किल। 18th की बात करें टीम एलिमेंट विदाउट एनी किल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंडिंग ऑन 19th पोजीशन वी हैड टीम गॉडलाइक। सो नॉट द वेरी बेस्ट स्टार्ट फॉर टीम गॉडलाइक दैट दे होप्ड बट फॉर श्योर एक कमबैक गेम हमें देखने को मिलेगा। सो या गाइस, ये था हमारा आज का दिन का पहला मैच, दिन का नहीं रात का पहला मैच और अभी ऐसे मैचेस अभी भी कंटिन्यू होने वाले हैं, बैक टू बैक आने वाले हैं तो
कहीं भी मत जाइएगा, मिलते हैं हम आपको एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। Girls with their nails done.
think the girls with their nails done now. Girls with their nails done.
nails with their nails done now. Okay, so welcome back guys to the second match for the night. और दूसरा मैच हमारा यहाँ पर रहने वाला है रैंगल का. जनरली उल्टा रहता है, हमें पहले देखने को मिलता है रैंगल का, पहले हमें देखने को मिलता है रैंगल और उसके बाद आता है यहाँ पर मीरावर का मैच. बट आज यहाँ पर थोड़ी सी नई चीजें हम लोग ट्राई कर रहे थे और यहाँ पर हमारा जो पहला मैच है वो स्टार्ट होता हुआ मीरावर का. एंड सेकेंड इज गोइंग टू बी द मैप ऑफ रैंगल. एंड ये मैप काफ़ी सारी टीम्स का फेवरेट माना, मैं तो कहूँगा मानती होंगी काफ़ी सारी टीम्स अपना फेवरेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मीरा रैंगल के मैप पे हमें नज़र आती है टीम्स की तरफ से. बट इतनी बात हो चुकी है, अभी अगर बात करी जाए यहाँ पर प्लेन पाथ की, तो प्लेन पाथ यहाँ पर स्टॉलबर और सेवर्नी के बीच से स्टार्ट होगा, नोवोरेप तक जाएगा, जॉजोपोल क्वेरी गटका, ये कुछ ऐसे एरियाज रहने वाले हैं जहाँ पर टीम्स नहीं उतर सकती है. सो रीजन, व्हाट डू यू थिंक, विच टीम इन दिस वन एक्सेप्ट फॉर टीम नॉट टू टाइम्स इन अ रो आई एम गोइंग टू लेट यू सेलेक्ट टीम फनाटिक. सो व्हाट डू यू थिंक, विच टीम आर यू गोइंग टू सपोर्ट इन दिस वन? ओके, दिस टाइम आई थिंक आई विल ट्राई फॉर टीम नंबर 10. Okay, which is Team KitKat. Yeah. So okay, I hope they win this time, because Jenny's performance in the last game was really good, but sadly he lost three members in the beginning itself. This time, I hope they don't take any initial fights and safely come to the final fights and hopefully win it as well. ओके, सो यहाँ पे ओरिजिन की प्रेडिक्शन, यहाँ पर टीम किटकैट के लिए जाते हुए काफी सारे सपोर्टर्स भी हमें किटकैट के चैट में देखे थे. सेम गोज फॉर टीम फनाटिक एज वेल. पहला गेम टीम फनाटिक नहीं जीता, काफी सारे सपोर्टर्स फनाटिक ओपी हमें चैट में स्पैम करते हुए नजर आए. और थैंक यू सो मच गाइज फॉर ट्यूनिंग इन ऑन द चैट. और आप ही लोगों के लिए यहाँ पर जो मैचेस है वो बना के लाए जाते हैं. बट मीनवाइल अभी टीम्स जो हैं धीमे धीमे ड्रॉप कर रही हैं, काफ़ी सारे एरियाज में हमें टीम्स जो हैं नज़र आएंगी. एंड लेट्स सी किस तरीके से ये जो टीम्स हैं खेलती हैं, अपने लिए चिकन डिनर निकालती है. नियॉन टीम किटकैट इज गोइंग टू बी द प्रेडिक्शन फॉर टीम ओरिजिन, और मैं नहीं करने फॉर ओरिजिन एंड मैं कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करने वाला, क्योंकि जिस टीम को मैं प्रेडिक्ट करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर जाके वो जाते हैं मर. सो मेरी तरफ से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं आने वाली है. बट राइट नाउ एज यू कैन सी फनाटिक के प्लेयर्स थोड़ा सा यहाँ पर अपने यूजुअल ड्रॉप से थोड़ा सा मैं कहूँगा डेविएट होते हुए नजर आ रहे हैं. आई थिंक सो कि द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द ट्रबल राइट नाउ. बट फिलहाल मैक्स काश उनको बगी मिलेगी. अब यहाँ पर व्हीकल्स जैसे जैसे टीम फनाटिक के प्लेयर्स को मिलेंगे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. बगी का इस्तेमाल करके टीम फनाटिक के जो प्लेयर्स हैं आराम से खेलना चाहेंगे इस पर्टिकुलर गेम को और गेम के अंदर बने रहना चाहेंगे.
ट्रांजिशन दबा देना। ओके सो वापस आ गए हम लोग। थोड़ा सा जो साउंड चेक था वो दिक्कत दे गया था, साउंड नहीं आ रहा था आप लोगों को स्ट्रीम के ऊपर, एंड उसका जुगाड़ पूरी तरीके से वापस से सही कर दिया गया। एल्गाटो इश्यूज, एवरीवन नोज आई गेस। सो स्कूल के अंदर की बात करी जाए अगर यहाँ पे, तो स्कूल के अंदर हमें यहाँ पर टीम नंबर 10 देखने को मिलने वाली है, एंड लेट्स सी टीम नंबर 10 यहाँ पर किस तरीके से खेलती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में अकेली ही टीम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अपार्टमेंट्स में टीम एसिड के प्लेयर्स भी हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहूँगा खान सोलो को बच के रहना पड़ेगा, बट आर्टेमिस ऑन दी अदर हैंड टॉप डॉग के ऊपर नॉक निकालेंगे। किल फीड का देखने को मिला हमें यहाँ पर, टॉप डॉग यहाँ पर इनसेन के जो प्लेयर्स है फाइट के अंदर आते हुए, टॉकिंग अबाउट टीम इनसेन FS के प्लेयर के ऊपर भी बिलीव के ऊपर नॉक निकाला गया। सो लेट्स स्विच ऑन टू दैट फाइट टू अदर टीम इनसेन और वन मोर टीम, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट नेम उधर किस तरीके से वो जो फाइट है निकल के आती है, एंड विल जस्ट फाइंड दैट टीम। KS की प्लेयर्स, ओके देयर वी गो, KS के प्लेयर्स यहाँ पर मिल्टा के एरिया के आसपास हमें नजर आएंगे, ट्राइंग टू टेक दैट फाइट अगेंस्ट द प्लेयर्स ऑफ टीम नंबर 7, बट दिस इज नॉट द फाइट, इट्स आयरेक्स। टीम इनसेन के जो प्लेयर्स है बैक टू बैक नॉक्स निकालते हुए, बट अपने दो प्लेयर्स भी खो चुके हैं, रिपस्कॉट कर रिपस्कॉट से एविएटर पूरी तरीके से फिनिश ऑफ कर देगा। नोवो रैप पे जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अंडर रेटेड एरिया रहता है, यहाँ पर हमें फाइट देखने को नजर आने वाली है। साइरस अपने एरिया को होल्ड करना चाहेंगे, बट ऑन द अदर हैंड फिनटॉक्स के एक्सप्लिसिट आते हुए गेम के अंदर अपने लिए कुछ किल जो है बटोरे जाएंगे उनकी तरफ से। टीम फिनटॉक्स ऑल्सो ड्रॉपिंग इन दिस लोकेशन, एंड फ्यूचर स्टेशन के प्लेयर्स के ऊपर पूरी तरीके से ऑप्टिमम के प्लेयर्स भी कहर बरसाने की कोशिश कर रहे हैं, किल सिक्योर करी जा रही है। अभिबर्ग और सिम्प दो प्लेयर्स इस एरिया के अंदर अब रिमेन करते हुए, स्प्रे गॉड और टॉप डॉग दोनों के दोनों प्लेयर्स पूरी तरीके से यहाँ पे जो है फिनिश ऑफ कर दिए गए हैं। सो लेट्स सी किस तरीके से ये जो प्लेयर्स हैं अब अपनी टीम को आगे की तरफ बढ़ा के लेके जाते हैं, क्योंकि 2v4 इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी एट ऑल। FSGM की GSM की बात करी जाए, इवल है अभी भी यहाँ पर चारों के चार प्लेयर्स बचे हुए हैं, दैट इज द मेजर थिंग राइट नाउ, जो कि काफ़ी मैं कहूँगा अच्छा एडवांटेज देती है आपको टीम के ऊपर अगर आपके पास चारों के चार प्लेयर्स अलाइव रहते हैं। साइरेक्स स्मोक्स का इस्तेमाल करके स्मोक स्क्रीन बना के अपने आप को देर तक हो सके उतनी देर तक जिंदा रखना चाहेंगे। ऑप्टिमम के अभिभार यहाँ पर फिनटॉक्स के एक्सप्लिसिट को नॉक करते हुए, साइरक्स इज बीइंग सब्जेक्टेड टू मेनी थ्रोएबल्स मेनी यूटिलिटीज राइट नाउ, एंड फाइनली पीछे से इविल आए उनके ऊपर नॉक भी कंप्लीटली निकाल देंगे। किल कंफर्म किया जाएगा उनके टीममेट कापसी की तरफ से, सो FSGSM दे गेट सम किल्स फॉर देम एंड दे आर लुकिंग टू गेट सम मोर अहेड एज वेल। सो ओरिजिन नोवो रैप की ये फाइट आपको क्या लगता है FSGSM के जो प्लेयर्स हैं क्या चारों के चार प्लेयर्स के साथ विल दे बी एबल टू सर्वाइव दैट डिले? तो है ही अरे बढ़िया बम्ब्रू तेरे बंदे सेंटर गेट पे गड़ी इस्तेमाल अगर प्लेयर्स ना करे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट कोई बात नहीं, फिलहाल गेम के बीच में कुछ कहा नहीं जा सकता इन प्लेयर्स को, दे आर जस्ट प्लेइंग द गेम, बस थोड़ा सा ऑल चैट का दिक्कत रहता है, बट बेयर विद अस गाइस, हमारे लिए भी सेम दिक्कत जो है वो बनी रहेगी। Meanwhile, एक और यहाँ पर नॉक निकला है, किल फीड के अंदर हमें नजर आएगा, एंड लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर ये जो प्लेयर्स है, ये जो टीम्स है खेलती है इस नॉक के बाद। टीम नंबर 18 के प्लेयर्स यहाँ पर व्हीकल का इस्तेमाल करके रोटेटर आउट कर रहे हैं। So that they can be able to rotate right now. And G-Rex Virus OP आराम से अपनी जो है बगी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रूइंस के एरिया के आसपास पहुंचेंगे और अपने लिए लूट इकट्ठा करेंगे। लूट की अगर बात करी जाए ऑन दी अदर हैंड, तो यहाँ पर लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 बैकपैक देखने को मिल रहा है। लेवल 2 वेस्ट नॉट द बेस्ट पॉसिबल वेस्ट, बट इट शुड डू द जॉब फॉर दिस टीम राइट नाउ। एंड फाइट्स फिलहाल हमें नोवो रैप के एरिया के अलावा कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिल रही है, बट FSGSM के कापसी हमें देखने को मिलते हुए इस एरिया के अंदर। फिनटॉक्स के अगेंस्ट यहाँ पर फाइट जो है इन्होंने छेड़ी थी, 3 केस अपने टीम के लिए निकाल लिए, चारों के चार प्लेयर्स अभी भी अलाइव, सो ये एक उनके लिए काफी अच्छी चीज रहेगी। बट ऑन द अदर हैंड एक्सप्लिसिट और साइल 2 के थोड़ा सा पीछे जा चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अपने टीम से अलग जा चुके हैं, दो ही प्लेयर्स बचे थे तो टीम से अलग किया जाएंगे, थोड़ा सा फॉल बैक किया गया है इनकी तरफ से।
बट काशी ही वांट्स दो स्केल्स राइट नाउ, या फिर मैं कहूंगा अननोइंगली आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा ओपन में गए तो पूरी तरीके से यहां पर उनको पनिश ऑफ किया जा सकता है बाय द प्लेयर्स ऑफ टीम पिंटॉक्स। साइड 2 के की अगर बात करी जाए, धीमे धीमे चीकी वे में क्लोज इन करने की कोशिश है ऑन टू द प्लेयर्स ऑफ टीम एफ एस जी एस एम। सो लेट्स सी किस तरीके से ये जो प्लेयर्स है खेलते हैं इस गेम को एंड क्या यहाँ पे अपने लिए कुछ किल्स जो है सक्सेसफुली निकाल सकते हैं। यानी एक्सप्लिसिट फिलहाल प्रोन डाउन है इस पूरी रिज के ऊपर स्पॉट किया गया है यहाँ पर एक प्लेयर को। क्या उनके ऊपर शॉट्स लेंगे, क्या अपनी लोकेशन जो है इतनी जल्दी दे दी जाएगी, क्योंकि एफ एस जी एस एम के प्लेयर्स धीमे धीमे क्लोजिंग करते हुए दूर से यहाँ पर एक्सप्लिसिट को भी स्पॉट किया जाएगा। बद्रेव यहाँ पर आएंगे, पहला नॉक निकला जाएगा यहाँ पर एक्सप्लिसिट के ऊपर और अब अकेले प्लेयर टी साइड 2 के बचेंगे। साइड गेट्स अ नॉक ऑन टू जीएसएम्स इविल आई बट हैज बीन इंस्टेंटली ट्रेडेड ऑफ बाय काप्शी इन द बैटल ऑफ वेक्टर्स। काप्शी ही कम्स अपॉन टॉप और काफी अच्छी तरीके से अपने लिए जो है किल सिक्योर किए जाएंगे। ऑन द अदर हैंड साथ अब अकेले प्लेयर इट्स साइरिक्स जी9 को, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था एफएस जीएसएम के प्लेयर्स ने पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट कर दिया था, पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया था। साथ नाउ इज जस्ट द लास्ट गाय रिमेनिंग, फुली बूस्टेड रहना चाहेंगे ज़ोन के डैमेज को जो है पूरी तरीके से ताकि काउंटर करा जा सके। एंड नाउ दे शुड ट्राई टू मूव इनसाइड द ज़ोन। स्कूल और अपार्टमेंट्स के इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो पीएक्सबीआईटी अपने प्लेयर्स के साथ आ चुकी है थोड़ा सा। अपार्टमेंट वाले प्लेयर्स टीम एसेट के प्लेयर्स के अगेंस्ट यहां पर जो शॉट्स है वो लेना चाहेंगे। यूरिक मजीनो की बात करें तो हिल पे आ चुके हैं, यहाँ पर रुजॉक का काफी एक फेमस हिल रहता है एंड उस एरिया के आसपास आ चुके हैं। यू कैन इजीली टेक फाइट्स अगेंस्ट द प्लेयर्स ऑफ टीम ऑफ द प्लेयर्स सिचुएटेड इन स्कूल एंड एप्स एज वेल, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। मार्को टीम को रिवाइव करने के लिए भी आपके पास एक डिप रहती है, काफी मैं कहूंगा एक निपुण रेज रहती है एंड इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। सूर्य फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर पीछे की तरफ जाएंगे, आई गेस व्हीकल छूट गया है या फिर जा रहे हैं फ्लैंक के लिए, किसी भी चीज का हम लोग यहाँ पर जो है देखना चाहेंगे किस तरीके से मार्कस गेमिंग के जो सूर्य खेलते हैं। एंड बाकी मार्कस गेमिंग की बात करी जाए तो यूरिक मजीनो, मार्कस गेमिंग रौनक, मार्कस गेमिंग विजगॉट, दे आर लुकिंग टू गेट सम किल्स फॉर देमसेल्व्स एज वेल। मीनवाइल काप्शी को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया है नोवो रैप के एरिया में टीम एफएसजीएसएम, उनको लगा था कि यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं बट ना उनके एक प्लेयर जो है पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिए गए। सैनॉक्स की बात करी जाए तो यहाँ से जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश है, हील्स काफ़ी अच्छी है बट फिलहाल यहाँ पर ना बूस्ट किया गया है ना ही किसी भी तरीके से फर्स्ट एड लगाई गई है। टीम नंबर 7 के प्लेयर्स की तरफ से चेस डाउन किया जा रहा है व्हीकल बैटल के अंदर, यहाँ पर साइनॉक को स्पॉट किया जाएगा और फिक्शन यहाँ पर आएंगे साइनॉक को नॉक करेंगे पूरी तरीके से इनके ऊपर खेल। अपनी टीम के रोटेशन में यहाँ पर फंस गए थे और टीम गैलेक्सी रेसर सेल्फ दे आर नॉट गोइंग टू लीव दिस गाय अलोन, उनके ऊपर खेल पूरी तरीके से सिक्योर करना चाहेंगे। बिलियन रॉक्स फिक्शन और ब्लिजर्ड चारों के चार प्लेयर्स पूरी तरीके से चढ़ के बोले थे बट राइट नाउ player of that knock team over there is getting some cover fire. टीम के एस के प्लेयर्स दे डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर दैट रोटेशन, अपने प्लेयर को बचाने के लिए यहाँ पर कवर फायर देने की कोशिश थी ऑन टू द प्लेयर्स ऑफ टीम गैलेक्सी रेसर्स सेल्स। बट राइट नाउ देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से जीएक्सआर के इन प्लेयर्स के ऊपर किसी भी तरीके का नॉक टीम के एस के प्लेयर्स निकाल पाते हैं या नहीं। एहसान, आईटीएफआई, महराज, तीन प्लेयर्स तो अभी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साइनॉक्स पूरी तरीके से ब्लीड आउट भी हो जाएंगे प्ले जोन से डैमेज एंड प्लस डैमेज डन वाइल यू आर नॉकड ओवर देयर, सो काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पर के एस के प्लेयर्स के ऊपर पड़ा एंड ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी टीम के एस। ऑन द अदर हैंड गैलेक्सी रेसर सेल्स एक बार फिर से डासे का इस्तेमाल करके अपनी जर्नी जो है दोबारा से जोन के अंदर रोटेट करने की चालू करेंगे। सेकेंड जोन भी बन चुका है तो थर्ड जोन से मैं कहूँगा थोड़ा सा डैमेज बढ़ जाता है जिसका ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पर टीम गैलेक्सी रेसर सेल्स को रोटेट करते हुए। एंड लेट्स सी गैलेक्सी रेसर सेल्स के जो प्लेयर्स है ये काम किस तरीके से करते हैं। एसिड के अज़राइल को मीनवाइल पीवीएक्सआईटी के स्टॉकर ने नॉक निकाला है, लेट्स सी किस तरीके से वो जो फाइट से चलती है। बट राइट नाउ टीम गैलेक्सी रेसर सेल्स इस फार्म के एरिया के आसपास से रोटेशन करते हुए हमें नजर आएगी। एसिड के प्लेयर एक और नॉक निकालेंगे, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट फाइट ओवर देयर बिटवीन द प्लेयर्स ऑफ टीम एसिड एंड वन मोर टीम एट दैट एरिया ऑफ स्कूल। हमने पहले भी देखा था दोनों के दोनों प्लेयर्स, दोनों की दोनों जो टीम्स है एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी थी, एक टसल में आ चुके थे एक दूसरे के अगेंस्ट एंड अभी भी वो जो फाइट है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। एंड आई गेस गाइस गेम साउंड एक बार फिर से जा चुका है, सो आई जस्ट लेट्स जस्ट फिक्स दैट ओवर देयर। सो गेम साउंड का एक बार थोड़ा सा इशू जो है सॉर्ट करके आते हैं हम लोग गाइस, जस्ट गिव अस अ सेकंड।
Okay, so the issue has been sorted. Elgato is back up and running. एक बार फिर से हमारी जो गेम साउंड है वापस आ चुकी है. छोटी छोटी दिक्कत है एंड यहाँ पर वापस से हम लोग गेम के अंदर आते हुए अपार्टमेंट्स के इस एरिया के अंदर ऑलरेडी जो प्लेयर्स है सिचुएटेड थे. लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर खेलते हैं ये प्लेयर्स. टीम एसेट की बात करी जाए तो अभी भी अपार्टमेंट्स के उन एरियाज के अंदर मौजूद रहेंगे. इनके पास काफ़ी ज़्यादा क्लोज से एक टीम अभी गुजरी है. एंड टॉकिंग अबाउट टीम नंबर 8 टीम ऑप्टिमम, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्ले दिस गेम वेरी ऑप्टिममली, ट्राइंग टू गेट एज मच पोजिशन पॉइंट्स एज पॉसिबल, क्योंकि सिर्फ दो ही प्लेयर्स बचे हुए हैं. एंड ये दो प्लेयर्स किस तरीके से अपनी टीम को कैरी करके लेके जाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी. सो लेट्स सी किस तरीके से ऑप्टिमम के जो प्लेयर्स है खेलते हैं. मीनवाइल लेट्स ओरिजिन जस्ट लुक एट द प्लेयर्स ऑफ टीम नंबर 10. ये टीम कहाँ है किटकैट जिनको आपने प्रेडिक्ट किया था, क्या ये अभी भी गेम के अंदर बरकरार है? जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से बरकरार है. जॉर्जो पोल के हिल का कंट्रोल ले रखा है इन्होंने. एज सच अभी कोई किल नहीं है, बट अगर जोन इनके फेवर में बनता है, बैक टू बैक जोन इनके आसपास बनते हैं तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह सकता है. जेनी की बात करें तो फिलहाल प्रोन डाउन रहना चाहेंगे इस एरिया के अंदर, अपने आप को पूरी तरीके से होल्डेड रखना चाहेंगे. एंड जैसे ही प्लेयर्स यहाँ पर आगे की तरफ पुशिंग करना चाहेंगे टीम किटकैट, दे विल ऑल बी बट रेडी फॉर दीज फाइट्स. सो लेट्स सी टीम नंबर 10 टीम किटकैट के प्लेयर्स किस तरीके से खेलते हैं एंड विल दे बी एबल टू गेट सम किल्स मोर फॉर देम ऑन आउट. मीनवाइल टीम गॉडलाइक पीछे की तरफ से रोटेट किया है. पोचिंकी के एरिया के अंदर जनरली उतरती है, बट आई डोंट थिंक सो इस बार पोचिंकी के एरिया पे इनका आगमन हुआ था. फिलहाल जॉर्जो पोल का एक काफ़ी अच्छा फेमस मैं कहूँगा स्क्वाड हाउस जो है यहाँ पर ऑक्यूपाई किया जा रहा है बाय द प्लेयर्स ऑफ टीम गॉड लाइक. चारों के चार प्लेयर्स इस पर्टिकुलर स्क्वाड हाउस के अंदर नजर आ रहे हैं. पीछे से यहाँ पर टीम फनाटिक, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू क्लोज इन ऑन टू देयर प्लेयर ऑन टू देयर एनिमी टीम्स ऑन टू देयर प्लेयर्स ओवर देयर. पहला गेम था चिकन, इस गेम के भी अंदर एटलीस्ट कंसिस्टेंटली टॉप 5 पोजिशन बना के रखना चाहेंगे ताकि वो जो इनका पोजिशन पॉइंट्स है, जो उनके पॉइंट्स ओवरऑल, वो कंसिस्टेंटली टॉप 3 टॉप पोजिशन के ऊपर ही बने रहे. फ्रैंकी पोपो ही इज ट्राइंग टू स्पॉट द प्लेयर्स ऑफ टीम नंबर 22 डाउन ओवर देयर. एंड लेट्स सी टीम नंबर 22 के जो प्लेयर्स है किस तरीके से खेलते हैं. यूटिलिटीज का इस्तेमाल करने की कोशिश है, ग्रेनेड्स थ्रोएबर्स मोलोटॉव्स काफी ज्यादा डिस्टेंस है. सो आई डोंट थिंक तरीके का यहाँ पर डैमेज इन यूटिलिटीज से होने वाला है. वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ टीम फनाटिक ही हैज ऑल्सो पुश्ड इन क्वाइट अ बिट फ्रॉम दैट रीजन. एंड मैक्स काश यहाँ पर एक नॉक भी निकालेंगे ऑन टू द प्लेयर्स ऑफ टीम INES. नॉक निकाला गया, क्या यहाँ पर हमें पुशिंग देखने को मिलेगा? डूड अग्रेसिव यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं ऑन टू द एनिमी प्लेयर्स ओवर देयर. स्कारल के प्री फायर लेते हुए यहाँ पर अराउंड दोज एंगल्स ग्रेनेड यूटिलिटीज का इस्तेमाल अब यहाँ पर करा जाने वाला है. बट डूड कम्स अप अगेन ऑन टॉप ओवर देयर. INES के एक और प्लेयर के ऊपर नॉक निकाला गया है डूड की तरफ से. टीम फनाटिक दे आर लुकिंग टू चार्ज अपॉन देयर एनिमी टीम्स राइट नाउ. आयरन की बात करी जाए तो ये प्लेयर पीछे की तरफ यहाँ पर अपने पोजीशन को जो है होल्ड डाउन करने की कोशिश कर रहा है. बट विल ही बी एबल टू डू सो और नॉट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन. AKM है अपने लिए स्मोक जो है इस्तेमाल करना चाहेंगे ताकि किसी भी तरीके की जो पोजीशन है उनको सामने वाली टीम को बिल्कुल भी यहाँ पर दे ना सके एंड अपने लिए गेम की जो सरप्राइज फैक्टर है अपने लिए बना के रखा जा सके. बट डूड अपने लिए जो नॉक्स निकाले थे उनको पूरी तरीके से कन्फर्म करते हुए नजर आएंगे. व्हीकल ब्लास्ट ग्रेनेड सारी की सारी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाने वाला है. नॉक निकाला गया था यहाँ पर मैक्स काश के ऊपर, बट अब यहाँ पर फ्रैंकी की तरफ से उनको रिवाइवल दिया जाएगा. एक सक्सेसफुल रिवाइवल रहेगा यहाँ पर और अब फिर से एक बार अपने जो क्रॉसेज है फ्रैंकी ऑन टू द प्लेयर्स ऑफ टीम INES एक बार फिर से लगाना चाहेंगे. एक और खेल यहाँ पर इवलाई के ऊपर सिक्योर किया जाएगा बाय दैट प्लेयर ऑफ टीम फनाटिक. स्प्रेज बैक टू बैक ले जा रहे हैं INES के अकेले प्लेयर बचे हुए. व्हीकल के नीचे से शॉट्स कनेक्ट किए गए द ग्रेनेड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ टीम फनाटिक. नॉक्स डाउन दिस प्लेयर ऑफ टीम INES एज वेल. INES डाउन टू जस्ट अ सिंगल मैन स्टैंडिंग एंड द पुश कम्स इन एज वेल. नॉक निकालने की कोशिश यहाँ पर फ्रैंकी के ऊपर, बट फाइनली टीम फनाटिक के जो प्लेयर्स क्लोज इन कर चुके हैं. टीम फनाटिक आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर फ्रैंकी पोपो ही इज जस्ट ट्राइंग टू चार्ज इन अपॉन द लास्ट रिमेनिंग प्लेयर. ग्रेनेड आया था वहां पर और पीछे से थर्ड पार्टी भी हो चुके हैं. फ्रैंकी इज इन अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल और टीम INES के प्लेयर्स अनोइंगली यहाँ पर बचाए जा रहे हैं बाय द प्लेयर्स ऑफ टीम नंबर 21 इन दिस फाइट. सो ओरिजिन व्हाट डू यू थिंक, विल द प्लेयर्स ऑफ टीम सोल्स ऑफ BD डिसाइड टू पुश इन एंड थर्ड पार्टी इन दिस फाइट और नॉट? Yeah, they might actually push right now because this is a very good chance for them because there are some casualties in Fnatic as well. So once the fight, if this INES Gajor here takes one or two down, immediately Team 21 will be pushing it. Okay, so you just correctly said over there. काफी अच्छी तरीके से explain किया. Third party scenario वहाँ पर चल रहा है अभी. अगर Team Fnatic के players एक या दो और knock होते तो हमें pushing देखने को मिल सकता है by the players of Team Souls of BD.
एंड किल्स भी यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर GXR गैलेक्सी रेसर सेल्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाएगा टीम किट कैट की तरफ से। सो वन मोर ब्लो कमिंग अप इन फॉर टीम गैलेक्सी रेसर सेल्स। फर्स्ट मैच भी कोई ज्यादा खास नहीं गया था एंड अब यहाँ पर रोज जो है रिवर्स हो चुके हैं टीम फनाटिक के प्लेयर्स के ऊपर किया जाने की कोशिश है टीम नंबर 21 सोल्स ऑफ बीडी की तरफ से। बट यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से मैक्स काश ने एक नॉक निकाला, काउंटर नॉक निकालने की कोशिश है। डूड की बात करी जाए तो उन्होंने काउंटर नॉक इंस्टेंट की जो है सिक्योर किया है, प्लेयर के ऊपर किल भी पूरी तरीके से सिक्योर करेंगे। नाउ इट इज डाउन अपॉन अगेन द लास्ट रिमेनिंग प्लेयर्स ऑफ टीम सोल्स ऑफ बीडी। अकेले तीन दो प्लेयर्स अब बचे हुए, पिछले गेम के अंदर टॉप थ्री फिनिश हमें देखने को मिला था टीम SOB के प्लेयर्स की तरफ से। बट इस गेम के अंदर इट इज वेरी लाइकली दैट दे माइट जस्ट गेट एलिमिनेटेड वेरी सून इन दिस वन। शॉट दिए जा रहे हैं यहाँ पर बैक टू बैक फनाटिक के एक और प्लेयर एश यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग नॉक निकालते हुए ऑन टू द प्लेयर ऑफ टीम SOB। नाउ द पुश कम्स इन फनाटिक, दे नो दैट दिस इज देयर टाइम। यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है फ्रैंकी लीडिंग द चार्ज फॉर हिज टीम। फ्री फायर कर रहे हैं यहाँ पर अराउंड द एंगल्स। किसी भी तरीके से SOB के प्लेयर अगर किसी भी तरीके का शॉट लेने की कोशिश करते तो उसको पूरी तरीके से दिक्कतों में डाला जाएगा। नॉक प्लेयर के ऊपर किल कंफर्म करते हुए सेकंड प्लेयर के ऊपर नॉक निकालने की कोशिश थी बट फ्रैंकी ही हैज बीन टेकन डाउन एज वेल। अकेले प्लेयर यहाँ पर SOB के लिए बचे हुए, लेट्स सी किस तरीके से ये प्लेयर अपनी टीम के लिए खेलता है। आगे की तरफ चार्ज डाउन किया जाएगा बाय द डूड और द डूड विल गेट दैट कंफर्मेशन एज वेल। ऑल्दो फ्रैंकी को पूरी तरीके से फिनिश ऑफ कर दिया गया है बट नाउ द रिवाइवल्स आर ऑल्सो गोइंग टू कम इन टू प्ले एंड लेट्स सी हाउ डू टीम फनाटिक मूव इन साइड द नेक्स्ट जोन, क्योंकि नेक्स्ट जोन पूरी तरीके से साउथ साइड के ऊपर जा रखा है। बात करी जाए अगर टीम वेनम लेजेंड्स की तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वेनम लेजेंड्स के एक प्लेयर बगी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दो प्लेयर्स ऑलरेडी इनके पूरी तरीके से फिनिश ऑफ कर दिए गए हैं। द थर्ड वन इज ऑल्सो रॉन्ग नियरिंग टू इज डेथ ओवर देयर, पूरी तरीके से वो भी एलिमिनेट होने वाले हैं। तो टीम वेनम लेजेंड्स के प्लेयर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है एंड लेट्स सी इन दिक्कतों से किस तरीके से निकल पाते हैं या फिर एक और अर्ली एलिमिनेशन की तरफ ये टीम दोबारा से जाएगी। मीनवाइल लेट्स मूव ऑन टू सम अदर टीम्स। एलिमेंट की बात करी जाए जोन के अंदर एक काफ़ी बेहतरीन लोकेशन ले रखी है इन्होंने, रिजेस है इनको चारों तरफ से सराउंड करने के लिए एंड वन कंपाउंड फॉर देम एज वेल। एलिमेंट इज लव इस एरिया को पूरी तरीके से अपने पास ही रखना चाहेंगे, बिल्कुल भी इस एरिया से दूर नहीं जाना चाहेंगे। ऑन द अदर हैंड Some fights have just already begun over there. Let's see वो fights जो है किस तरीके से conclude होती हैं। Marcus Gaming they are slowly and steadily closing in towards their enemy team right now. Team number 12 के काफ़ी ज़्यादा close element esports के पीछे की तरफ से पहुँचने की कोशिश है by the players of team Marcus Gaming. Ronak trying to scout those angles, trying to get near to their any to their prey over there basically. और spot भी किया गया है यहाँ पर element esports के एक player को। क्या Ronak यहाँ पर spray लेना चाहेंगे, क्या Ronak यहाँ पर knock के ले जाएंगे, अभी भी अपना trigger रौनक फाइनली गोज फॉर द नॉक ओवर देयर। बट उससे पहले एलिमेंट के एक प्लेयर ने नॉक निकाल दिया यहाँ पर मार्कस गेमिंग के प्लेयर के ऊपर। सो रिवाइवल्स एक बार फिर से जो है रिवाइव करना पड़ेगा प्लेयर्स को। यूरिक मजीनो की बात करें तो अपने टीम के लिए कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। बात करी जाए अगर यहाँ पर टीम नंबर 18 GR टीम गॉड्स रिबॉर्न की, सो गॉड्स रिबॉर्न के प्लेयर्स अपने टीम के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से खेलना चाहेंगे। किल एज सच फिलहाल कोई भी नहीं है बट पोजीशन काफ़ी अच्छी तरीके से जोन के अंदर ले चुके हैं। नेक्स्ट जोन टीम के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहने वाला है बट मीनवाइल टीम नंबर 10 इनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। 5 किल्स ऑल्दो इन्होंने निकाल लिए हैं बट अभी यहाँ पर नॉक कर दिए गए हैं सामने वाले प्लेयर की तरफ से। सेकेंड नॉक्स ऑल्सो कम्स इन बाय दैट प्लेयर एज वेल। टीम किट कैट दे आर ट्राइंग टू गेट सम किल्स फॉर देम इन दिस वन एज वेल बट क्या वो इसमें सक्सेसफुल रहेंगे, क्या यहाँ पर पूरी तरीके से टीम फनाटिक के प्लेयर्स को एलिमिनेट कर पाएंगे। यानी मैक्स काश अकेले प्लेयर इन पूरी फाइट्स के अंदर फंस चुके हैं किट कैट के प्लेयर्स। अब क्या यहाँ पे पुश इन करेंगे या फिर अभी भी होल्डिंग गेम हमें देखने को मिलेगा। मैक्स काशी इज स्टिल सर्वाइविंग इन दैट स्मोक, आराम से खेलने की कोशिश है उनकी तरफ से बट एलिमेंट के प्लेयर्स ऑन दी अदर हैंड कुछ किल्स अपने लिए और निकाल रहे हैं। गब्बर की बात करें तो यहाँ पर टीम नंबर 11 के प्लेयर्स के ऊपर पूरी तरीके से एनिग्मा गेमिंग के प्लेयर्स के ऊपर धावा बोलने की कोशिश है, नॉक निकाला गया उसी तरफ से काफी अच्छी तरीके से। यहाँ पर एलिमेंट के गब्बर नॉक निकालते हुए शैडो के ऊपर, गब्बर ट्राइंग टू कंटिन्यू हिज प्रेस वाजंट एबल टू गेट दैट किल फॉर हिम राइट नाउ बट गब्बर DP28 को रिलोड करना चाहेंगे। टीम एनिग्मा गेमिंग दे आर इन अ बिट ऑफ ट्रबल राइट नाउ। गब्बर की बात करी जाए तो अभी भी जंप स्पॉट करने की कोशिश है, 5 के ऊपर रैंडम शॉट्स लेने की कोशिश है बट दो शॉट्स वोंट कनेक्ट एज सून एज पॉसिबल। एलिमेंट इज लव ही इज जस्ट प्रोनिंग इन इनसाइड दैट ग्रास। उनको बताएं यहाँ पर फाइट को जितना डीले हो सके उतना ज्यादा डीले करना रहेगा उनको। एलिमेंट इज लव मार्कस गेमिंग के विज गॉड के ऊपर नॉक निकालते हुए फाइट हर तरफ से यहाँ पर चालू हो चुकी है। लास्ट स्टेजेस आ चुके हमारे गेम के। गब्बर यहाँ पर तूफान के ऊपर नॉक और फिनिश निकालते हुए एसिड के प्लेयर्स यहाँ पर जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। GRAX के प्लेयर के ऊपर नॉक भी निकाला जाएगा, अजरेल भी नॉक कर दिए जाएंगे। काया फॉर द विन।
देखा नहीं उनको, लेटे पड़े थे एंड ही नाउ गेट्स डाउन एज वेल. एसिड के प्लेयर्स दे आर स्टिल, वन ऑफ द गाय इज स्टिल सर्वाइविंग. एआईवी जोन के बाहर आएगा, स्टील बैटल के लिए जाएगा वो प्लेयर. जीआरएक्स वीरू वायरस ओपी की बात करी जाए तो ये प्लेयर भी अपने प्लेयर्स को अभी रिवाइव देना चाहेंगे. गॉड लाइक ऑल्सो ज्वाइनिंग द फाइट्स ट्राइंग टू गेट सम किल्स फॉर देम, बट टीम एलिमेंट दे आर इन अ बिट ऑफ ट्रबल. तांगी ने यहाँ पर एलिमेंट के गब्बर को व्हीकल ब्लास्ट करके पूरी तरीके से किल जो है अपने लिए सिक्योर करते हुए, केएस के महराज पीबी एक्साइटी के स्टॉकर वो पूरी तरीके से फिनिश ऑफ करेंगे. बट टीम किट कैट इन ऑल ऑफ दिस रकस इज स्टिल अलाइव. तीन के तीन प्लेयर्स टीम किट कैट के अभी भी सर्वाइव कर रहे. सो आई गेस टीम किट कैट इज ट्राइंग टू जस्ट गो फॉर द सर्वाइवल पॉइंट. सात केस ऑलरेडी निकाल चुके हैं. चल हट, यहाँ पर पूरी तरीके से नॉक और फिनिश कर दिए गए थे. बट स्टिल द रिमेनिंग थ्री प्लेयर्स ऑफ टीम किट कैट, नियॉन, मैक्स, अक्षय, जेनी आर स्टिल सर्वाइविंग ऑन द अदर एंड एसिड एवाईवी एआईवाई यहाँ पर एलिमेंट इज लव के ऊपर नॉक निकालते हुए. बट फाइनली प्ले जोन का शिकार होते हुए नजर आएंगे. जाते जाते डैमेज डील करने की कोशिश नहीं रहे. बात करी जाए यहाँ पर अगर एनिग्मा गेमिंग की तो फाइनल बॉस यहाँ पर शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं टीम किट कैट के प्लेयर्स के ऊपर. एज सच कनेक्शन नहीं आया है बट स्टिल अपने स्पेस को कंटिन्यू रखना चाहेंगे उसे एक पर्टिकुलर व्हीकल के पीछे. तांगी यहाँ पर स्पॉट करेंगे, जेनी के ऊपर नॉक निकाला जाएगा. मार्कस गेमिंग के सूर्य ऑन द अदर हैंड रूप सिक्स के ऊपर नॉक निकालते हुए रूप सिक्स को पूरी रोबो सिक्स को पूरी तरीके से फिनिश ऑफ भी करेंगे. नाउ द यूटिलिटीज आर कमिंग इन, बट आई डोंट थिंक सो इतने लंबे ग्रेनेड जो है पहुंच पाएंगे टीम किट कैट के प्लेयर्स के आस पास. एंड टीम किट कैट वुड दे वुड जस्ट बी अलाइव. स्मोक्स are also now being deployed by each and every team. Bloom होने का इंतजार है. Element के players को यहाँ पर धीमे-धीमे revive मिलता हुआ. Element is love को successfully revive कर दिया गया यहाँ पर आंताश की तरफ से. But अभी भी major impact जो अभी भी game का बना रहेगा जो है zone के अंदर बढ़ने का 70 meter is going to be very difficult. Godlike के players सारी की सारी चीजों का मजा उठाने के लिए zone के अंदर next वाले भी पहुंच चुके हैं. अभी भी shots दे रहे हैं. Rise also knock करते हैं. But team Element के players के ऊपर अपने space को continue करना चाहेंगे. Aladdin trying to get that knock. Dangi play zone का शिकार होते हुए Element is love प्ले जोन का शिकार होते हुए टीम किट कैट के प्लेयर्स भी जोन के अंदर आ रहे हैं. प्ले जोन से डैमेज लेते हुए और अलादे भी उसको स्प्रे करने की कोशिश कर रहे हैं. जेनी को नॉक किया जाएगा अलादे की तरफ से. नियॉन ही हैज बीन एबल टू मेक इट इनसाइड द जोन. बाहर से यहां पर गॉड लाइक के प्लेयर रहे भी नॉक हो जाएंगे. स्मोकी व्हीकल ब्लास्ट करेंगे. केएस के महराज को पूरी तरीके से फिनिश ऑफ किया जाएगा. धांगी फिनिश ऑफ होते हुए, काया फॉर द विन फिनिश ऑफ होते हुए. जस्ट लुक एट दोस किल्स. प्ले जोन यहां पर बहुत सारे किल्स निकालता हुआ अपने लिए एंड दिस इज जस्ट प्योर हैवॉक राइट नाउ. सारी की सारी टीम्स यहां पर खेलने की कोशिश कर रही है अपना बेस्ट. गॉड लाइक की बात करें, चार किल्स के साथ टॉप फोर के अंदर. द कमबैक गेम दैट वी वर टॉकिंग अबाउट दिस माइट बी इट. बात करी जाए अगर एनिग्मा गेमिंग की तो ये टीम भी किसी तरीके से जोन के अंदर पहुंच चुकी है. एंड टीम किट कैट इवन दो जोन के अंदर नहीं थे, दिक्कत हो रही थी इनको जोन के अंदर बढ़ने के लिए. गॉड लाइक के अलादीन की तरफ से स्पॉट कर लिए गए थे बट समहाउ दे हैव ऑल्सो मैनेज टू स्टिल सर्वाइव. रिवाइवल्स भी सक्सेसफुली दे दिया गया है. सो वी आर डाउन टू द लास्ट फोर टीम्स रिमेनिंग. गाइस जल्दी से जल्दी चैट सेक्शन में आप लोग स्पैम करो आप लोगों को क्या लगता है कौन सी टीम यहां से जो है चिकन डिनर निकालने वाली है. फाइनल बॉस बेसिक सम ऑफ शॉट्स ऑन टू मैक्स अक्षित ओवर देयर एंड अब इंस्टेंटली रिटेलिएशन फायर आता हुआ सामने वाले प्लेयर्स की तरफ से, किट कैट के प्लेयर्स की तरफ से. बिल्कुल भी यहां पर स्पॉट भी नहीं करने दिया जा रहा है फाइनल बॉस की तरफ से प्लेयर्स को. ऑन द अदर हैंड गॉडल 39 मार्कस गेमिंग के विजगॉड के ऊपर नॉक और पूरी तरीके से फिनिश भी निकालते हुए. रौनक की बात करें, रौनक भी स्पॉटेड है बस वो एक मोक का कवर रहने वाला है. सूर्य के ऊपर रैंडम शॉट्स, एक और दो वाइट मार्कर निकाल के स्प्रे कंटिन्यूड हो जाए. 39 यहाँ पर सूर्य के ऊपर भी नॉक निकालेंगे और अब यहाँ पर जोन के अंदर बढ़ने की जो जद्दोजहद है वो भी चालू करनी पड़ेगी. नियॉन ऑन द अदर हैंड ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू स्पॉट द प्लेयर्स थ्रू दैट स्मोक एरिया. बात करी जाए टीम गॉड लाइक की तो गॉड लाइक को भी जोन के अंदर बढ़ना है. राइट साइड से आने वाले हैं यहाँ पर टीम किट कैट के. एंड बात करी जाए दूसरी तरफ से तो टीम नंबर 5 के प्लेयर्स भी जोन के अंदर बढ़ना चाहेंगे. 3v3v1 की एक प्रॉपर एक फाइट रहने वाली है. मार्कस गेमिंग के रौनक अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं. किट कैट का गेम ये अकेला प्लेयर जो है पूरी तरीके से खराब कर सकता है. बट टीम गॉड लाइक आउट इन दी ओपन विद नो कवर पॉसिबल. सिर्फ इतना विश कर रहे हैं कि टीम किट कैट के प्लेयर्स उनको स्पॉट ना करें क्योंकि अगर स्पॉट हुए किसी भी तरीके का कवर नहीं है, किसी भी तरीके का एंगल भी नहीं मिलने वाला है इनको. अक्षित भी एक एंगल जो पीछे से बैक स्टैप का बेसिकली होल्ड डाउन करना चाहेंगे. नेक्स्ट जोन भी बिल्कुल इनके कदमों में बना है. सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मीटर और जाना रहेगा. एंड टीम गॉड लाइक मार्कस गेमिंग के रौनक को गॉड लाइक के अलादीन पूरी तरीके से फिनिश ऑफ करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द बैटल ऑफ टाइटंस. एक प्रॉपर 2v2 फाइट, 3v3 फाइट हमें बिटवीन द प्लेयर्स ऑफ टीम गॉड लाइक एंड किट कैट देखने को मिलेगी. नियॉन का एक ग्रेनेड जाएगा, अलादीन को पूरी तरीके से नॉक कर दिया जाएगा. अब क्या यहाँ पे टीम किट कैट पुशिंग करना चाहेगी या फिर अलादीन को सक्सेसफुली रिवाइव दिया जा सकता है. स्मोक आर ब्लूमिंग राइट नाउ. रैंडम शॉट लेकिन बिल्कुल भी रोक नहीं रही है टीम किट कैट. किट कैट के जो प्लेयर्स हैं 31 मीटर्स इनसाइड द जोन. दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर द प्लेयर्स ऑफ टीम गॉड लाइक इन दिस एरिया. नियॉन की बात करें
तो थ्रोएबल्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फ्लैश बैंग बचे, बट उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 39 को भी नॉक करेंगे, स्मोकी को स्पॉट कर लिया है, जोन के बाहर है स्मोकी। डीपी 28 के शॉट्स कनेक्ट होंगे एंड बेहतरीन तरीके से टीम किटकैट विल गेट दैट विनर, विनर चिकन डिनर 11 किल्स के साथ। एंड एक बार फिर से ओरिजिन, हाउ डिड यू प्रेडिक्ट? क्या आप मैच फिक्सिंग करते हो क्या? सारे प्लेयर्स को आपने पैसा दे दिया कि मैंने जो प्रेडिक्ट किया उससे सबको मरना है? इट जस्ट हैपेंस ब्रो, इट जस्ट हैपेंस। आई सॉ नियॉन्स परफॉर्मेंस एंड आई समहाउ फेल्ट लाइक आई हैड द इंट्यूशन दैट मे बी किटकैट विल डू वेल इन द रैंकल, सो इट जस्ट हैपेंड। Okay, so just on based on intuitions, Origin Gaming is giving those free chicken dinners. So if any team wants that chicken dinner in the next game, Origin's social handles are listed down in the description. Just DM him once that please take our team name in as a prediction, and you just don't have to do anything. You will automatically get that chicken dinner. But nevertheless, a brilliant, brilliant game that we witnessed. Origin team, team KitKat almost on that verge of elimination when they got spotted down by the players of Team Godlike. They were almost getting eliminated because play zone, it was wreaking havoc on their HP. Godlike players spray over there, it was damaging them a lot. So how did you think Team KitKat survive that somehow? The only thing which actually helped Team KitKat was the utilities. They had a lot of smokes, and there was a place where Akshit actually was spotted in the open, but immediately he ran back towards the blue zone into the smoke and did some random jiggle there and immediately went to the other side of the ridge. So that was very smart from Max Akshit there. And the number of smokes which Team KitKat had, it really helped them in the end. So number of smokes is the factor right now. So I guess now each and every team are going to carry like 20 or so smokes just to replicate what Team KitKat did right now. But a very beautiful game that we witnessed over here in this form over there. KitKat, they got that beautiful, beautiful chicken dinner with 11 kills. Talking about second position, Team Godlike with 6 kills, not bad at all. The comeback game, indeed, we can say that it was the comeback game that Team Godlike required. Now they are in the rhythm. They just have to continue it over the course of time right now. Talking about the third position, Team Marcus Gaming with 7 kills for them. Fourth position, we have Team Enigma Gaming with 6 kills for them. And rest of the standings are right in front of you guys. We'll just scroll it once and show it to you. You can just find the team that you supported over there and if your prediction was correct or not. But yeah, Team KitKat getting the chicken dinner in the second game. But this is not it, guys. There is one more game that is yet to be presented. There is one more game that is yet to happen. And that, I guess, is going to be the map of Sanhok. Not sure about that. Might be Vikendi, might be Sanhok. But stay tuned for that, guys. We will just go on a very short break and be just right back. Girls with their nails done.
girls with their nails done now. With their nails done now. We'll be right back.
I think the girls with their nails done now. With their nails done now. We'll be right back.
Okay, so welcome back, guys, to the third and final match for the day. We are back right now with the Sandhawk map. So, yeah, but we can see Sandhawk ke beech mein thoda sa issue tha. कौन सा रहेगा डिड नॉट नो बट फाइनली यहाँ पर हमें पता चल चुका है सैनहॉक का प्यारा सा हमारा मैप रहने वाला है एंड लेट्स सी किस तरीके से ये जो मैप है खेला जाता है एंड ओरिजिन व्हिच टीम इज गोइंग टू विन इन दिस पर्टिकुलर वन दिस टाइम ओके सो दिस टाइम आई एम नॉट रियली श्योर बट आई थिंक आई एम गोइंग टू गो विद टीम सेल्स टीम सेल्स ओके So team Galaxy Razorcells is the team that Origin has picked up right now. Origin ki taraf se yahan par Galaxy Razorcells ki taraf ke upar daav khela jayega. So let's see GXR ke players kis tarike se khelte hain and team number 7 ke jo players hain ye dekhte hain kis tarike se apne team ko aage ki taraf leke jaate hain. But meanwhile Orange Rock Mavi 1v4 the golden hand. Let's see ye sari cheeze unke favor mein kis tarike se jaati hai. But meanwhile प्लेन पाथ की अगर बात करी जाए हाथ इन पे खत्म होता हुआ बांधता है इसे स्टार्ट होके और तो ज़्यादा मैटर करता नहीं है इस पर्टिकुलर मैप के अंदर जो हमारा प्लेन पाथ रहता है क्योंकि 4x4 किलोमीटर का एक बहुत ही छोटा सा मैप है ये जिसपे आप कहीं से लेकर कहीं तक भी जा सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेन पाथ दैट यू गेट इवन इन दिस प्लेन पाथ आप मोंगनाई तक बहुत आराम से डायरेक्टली ग्लाइड करके पहुँच सकते हो सो लेट्स सी छोटा सा एक प्लेन पाथ रहने वाला है बूट कैंप के ऊपर किस तरीके से फाइट्स होती है क्योंकि काफ़ी सारी टीम्स हमें बूट कैंप के एरिया पे जाते हुए नजर आती है पर मीनवाइल गैलेक्सी रेसर सेल्स डॉग्स के एरिया के पीछे वाले हाउसेस के ऊपर अपने लिए जो है लूट इकट्ठा करना चाहेगी टीम फनाटिक एज वी ऑल नो बूट कैंप के एरिया को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं बात करी जाए टीम SOB की तो टीम SOB दे आर गोइंग इन टूवर्ड्स दैट एरिया ऑफ पैराडाइज रिजॉर्ट बट द फाइट्स दैट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डाउन ओवर देयर टीम किटकैट के प्लेयर्स ऑलरेडी फाइट के अंदर आ चुके हैं इन दिस एरिया ऑफ रूइंस के अंदर एंड रूइंस ये एक काफ़ी ज़्यादा छोटा सा इलाका रहता है एंड यहाँ पर ऑलरेडी मैक्स अक्षित और जेनी को नॉक कर दिया गया है रिप स्कॉट्स एविएटर एलिमेंट जोन के ऊपर फील कन्फर्म करते हुए शॉट्स अभी भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं डोंट नो बाय विच प्लेयर ऑन टू विच प्लेयर हो जाए बट राइट नाउ नॉक यहाँ पर निकाले जा रहे हैं फोर पैरा के प्लेयर को यहाँ पर स्पॉट किया जाएगा नियॉन यहाँ पर शॉट्स लेने की कोशिश करेंगे नॉक नहीं कर पाए हैं अभी तक उस प्लेयर को फोर आर के एंड द रिवाइज दैट आर गोइंग टू कम इन दिस एरिया ऑफ रूइंस आस पास उतरे थे यहाँ पर टीम किटकैट के प्लेयर्स के ओपोनेंट जो टीम थी बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग टीम किटकैट दे आर स्टिल सर्वाइविंग एंड लुकिंग टू गेट सम किल्स फॉर देम एक किल ऑलरेडी यहाँ पर निकाल लिए गए टीम फोर आर के प्लेयर्स काफी ज्यादा क्लोज पहुंचे थे बट नाउ आर इन अ बिट ऑफ ट्रबलसम सिचुएशन बट ऑन द अदर हैंड टीम FSGSM की बात करें तो बूट कैंप के अंदर उतरा गया इस टीम की तरफ से एज वी ऑल नो बूट कैंप में हमें काफी बार टीम फनाटिक के जो प्लेयर्स है देखने को मिलता है एंड फॉर श्योर पीछे से ट्रिपल वेयर हाउस के अंदर हमें ये टीम देखने को मिलने वाली है बट मेन बिल्डिंग के अंदर मेन एरिया के अंदर नॉट द बिल्डिंग बट द एरिया ये फाइट बिटवीन द प्लेयर्स ऑफ टीम एलिमेंट एंड टीम FSGSM ये फाइट चलने वाली है लेट्स सी किस तरीके से ये जो फाइट है निकल के आती है एलिमेंट इज लव अंताश दो प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं और ऊपर से अंताश को नॉक भी कर दिया है तो फाइटिंग स्टांस पे सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट इज लव सर्वाइव करेंगे एंड उनको भी ग्रेनेड का इस्तेमाल करके बदरेव की तरफ से ग्रेनेड जाएगा और पूरी तरीके से उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा इस एरिया से बट राइट नाउ टीम फनाटिक गन शॉट सुने थे प्लेयर्स को फाइट करते हुए सुना था एंड इंस्टेंटली आ चुके हैं एरिया के अंदर फ्रैंक यहाँ पर स्पॉट करेंगे शॉट भी लिए जाएंगे मशीन को नॉक भी करेंगे बट फ्रैंक की माइट जस्ट गेट काउंटर नॉक नो देयर बैरली सर्वाइव और एट दैट 10 HP 10 HP पे बच के अब यहाँ पर इस फाइट को जो है लेना चाहेंगे अगेंस्ट द प्लेयर्स ऑफ FSGSM काफी पीछे से कवर फायर देने वाले इविल आई इज आल्सो जस्ट ट्राइंग टू गेट दैट कवर फायर टू हिज टीम राइट नाउ बट क्या वो उसमें कामयाब रहेंगे बदरे मशीन काफी और इविल आई चारों के चार प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं शॉट्स बैक टू बैक ले जा रहे टीम फनाटिक की तरफ से बट दे आर नॉट यील्डिंग एनी काइंड ऑफ रिजल्ट सो लेट्स सी टीम फनाटिक के प्लेयर्स किस तरीके से यहाँ पर खेलते हैं मैक्स का चार्ज डाउन करते हुए इविल आई के ऊपर यहाँ पर शॉट लेने की कोशिश रहेगी बट मैक्स का थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे इविल आई जस्ट होल्डिंग इज ग्राउंड ओवर फाइनली शॉट ले जाएगा मैक्स कार्ड की तरफ से नॉक निकालते हैं यहाँ पर इविल आई के ऊपर कंफर्मेशन भी नहीं आ रहा क्योंकि इविल आई एक ऐसी पोजीशन में जहाँ पर उनको कवर फायर काफी अच्छी तरीके से मिल सकता है मैक्स कार्ड की बात करी जाए फर्स्ट एड अपने लिए अप्लाई कर ली गई है FSGSM के प्लेयर्स के ऊपर अब यहाँ पर जो है शॉट लेने की कोशिश रहेगी फ्रैंकी पॉप को एक और नॉक निकालते हैं यहाँ पर टीम FSGSM के प्लेयर्स के ऊपर इविल आई को फिनिश ऑफ करना चाहेंगे बट काफी द रूट के ऊपर नॉक निकाल चुके तो टीम फनाटिक की जो यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी उसके ऊपर थोड़े से ब्रेक लगे मशीन को भी स्पॉट करेंगे फ्रैंकी पोपो उनको भी पूरी तरीके से फिनिश ऑफ करेंगे बदरेव और काफी एक बहुत ही अलग इलाके में बसते हुए काफी को भी स्पॉट करा जाएगा काफी को पूरी तरीके से फिनिश
नॉक भी किया जाएगा। पर रेव यहाँ पर फाइट लेते हुए फ्रैंकी के ऊपर नॉक निकाला जाएगा। क्या ये फ्लश मिल सकता है टीम FSGSM को? एंड फॉर श्योर ही गोज फॉर दैट। बट रेव वो किल अपनी टीम के लिए काफी अच्छी तरीके से सिक्योर करेंगे। फनाटिक डाउन टू थ्री प्लेयर्स राइट नाउ। बट रेव के ऊपर शॉट चलने की कोशिश है, बट बदरेव ही इज जस्ट प्लेइंग हिज वे अराउंड दिस हट ओवर एयर काफी अच्छी तरीके से। यहाँ पर इस हट के आसपास FSGSM खेलने की कोशिश करेंगे। एश उनको स्पॉट करेंगे और पूरी तरीके से एलिमिनेट भी किया जाएगा। तो जाते जाते बदरेव अपने टीम के लिए एक और केल टीम फनाटिक के प्लेयर के ऊपर सिक्योर करते हुए फ्रैंकी पोपो उनको पूरी तरीके से बदरेव फिनिश ऑफ करके इस गेम को कहेंगे टाटा बाय बाय। एंड पूरा बूट कैंप का जो कंट्रोल है इन तीन फनाटिक के प्लेयर्स के ऊपर रहने वाला है। मीनवाइल एक बार फिर से चला जाएगा टीम किटकैट के प्लेयर्स के ऊपर। रुइंस के अंदर दो और किल्स अपने खाते में जोड़ दिए हैं। तीन किल्स के साथ टीम किटकैट आर लुकिंग क्वाइट शार्प इन दिस वन। पिछला गेम चिकन था, इस गेम के अंदर क्या वो चीज़ एक बार फिर से रिपीट करवाई जा सकती है टीम किटकैट के प्लेयर्स की तरफ से, ये देखने वाली बात रहेगी। एंड इफ द आंसर इज आई वुड फॉर श्योरली लाइक टू सी हाउ द प्लेयर्स ऑफ टीम किटकैट प्ले इन दिस वन, क्योंकि सैनहॉक का गेम फिलहाल जोन के हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि मेन रुइंस वाले एरिया के ऊपर ही बनता हुआ नजर आएगा। तो गाइस जब तक फाइट नहीं हो रही है यहाँ पर कुछ बात कर ली जाए चैनल के बारे में। तो जिसने गाइस अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। उस लाल बटन को ग्रे कर देना चाहिए आप लोगों को जल्द से जल्द, क्योंकि ऐसा कंटेंट लाने के लिए हम लोग की तरफ से मेहनत काफ़ी ज़्यादा करी जाती है। एंड दिस इज द अप्रिसिएशन दैट वी गेट इन द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स दैट वी हैव। सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एज वेल, एंड जाते जाते लाइक भी कर दीजिएगा। एंड आई होप सो ये जो ड्रिल है आपको ऑलरेडी पता होगा, सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं। सो आई विल ऑल्सो से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स नाउ मूव बैक इन टू द गेम। SOB के प्लेयर्स की बात करी जाए तो चारों के चार प्लेयर्स अभी भी अलाइव है। पहले दो गेम नॉट सो गुड ओवर देयर, पहला गेम फिर भी मैं कहूँगा ठीक ठाक गया था इनका, बट टीम SOB द सेकेंड गेम वॉज नॉट द बेस्ट गेम दैट दे कैन पोर्ट्रे। एंड SOB के प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर जो है स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा सा। तीन किल्स निकाल लिया है जोन के अंदर, नेक्स्ट वाले बढ़ना है। नेक्स्ट वाला जोन अगर यहाँ पर जाता है पूरी तरीके से रुइंस वाले आइलैंड के ऊपर, किटकैट इज गोइंग टू बी माई फेवरेट टीम इन दैट पोजिशन ओवर देयर। बट राइट नाउ शैडो OG के ऊपर नॉक निकाला गया। शैडो OG को पूरी तरीके से फिनिश ऑफ करने के लिए यहाँ पर मूवमेंट दी जा रही है KS के प्लेयर्स की तरफ से। बट ज़्यादा इस फाइट के अंदर जो है पुश इन नहीं किया जा सकता है टीम 20 की तरफ से, टीम KS के प्लेयर्स की तरफ से, बिकॉज यहाँ पर टीम एनिग्मा के जो प्लेयर्स हैं पूरी तरीके से तैयार रहने वाले हैं KS AX के प्लेयर्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए। बट शैडो OG क्रॉल कर करके पीछे की पोजीशन तक पहुंच चुके। ईशान यहाँ पर पूरी तरीके से, ईशान और सैनॉक्स जो है पूरी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हुए उन बाउंड्रीज को, और यहाँ पर क्लोजिंग करने की कोशिश है। रिप के ट्रिगर ऑलरेडी प्रोन डाउन है। शैडो OG के ऊपर KS के जो प्लेयर्स है वो किल कंफर्म करेंगे। KS दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एलिमिनेट दिस टीम ऑफ एनिग्मा गेमिंग, एंड विल दे बी एबल टू डू सो इज गोइंग टू बी माई क्वेश्चन। एंड within some seconds we might just get the answer. So Origin, what do you think about this fight? Who is going to win this fight between these two teams? I'm really not sure, but RIP Trigger looks like he is going to take KS Ihsan right now. Did he spot him? He didn't shoot anything yet. Oh no, he did, he just missed it. I didn't expect he just missed it. Even me too. I thought that would have been a very easy knock over there, but now that they are being punished over there, Team KS, they are just obliterating the remaining players of Team Enigma Gaming. So this was something that was not expected even by you, Origin. Yeah, and that is one more mistake by Tufan right there. And they know he is low. Now the entire team is going to push onto him. I think that will be a goodbye for Team 11 right now. And proning there, he had the really good chance to take him down, but he couldn't. Maybe one knock, and here comes the cover fire. The knock for surely it dealt a lot of damage over there. ITFI, he was also quite low on HP over there, but finally the flushes, the finishes in, comes in, and without losing any player, Team KS, they are going to be alive in this fight. So काफी अच्छा मैं कहूंगा देखने को मिला हमें यहाँ पर टीम KS के प्लेयर्स की तरफ से। एक ब्लंडर पे जा सकते थे अगर वहां पर रिप ड्रिगर जो थे काफी नॉक निकाल देते, तो एक ब्लंडर की तरफ जा सकती थी टीम KS की, बट फाइनली दे जस्ट केम बैक फ्रॉम इट। उनको पता चला वहाँ प्लेयर है, इंस्टेंटली रिपीक करके नॉक किया गया उस प्लेयर को, बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। एंड नाउ दैट इज जस्ट अ हिस्ट्री राइट नाउ। एनिग्मा गेमिंग दे हैव बीन कम्प्लीटली एलिमिनेटेड आउट ऑफ दिस गेम, बट लुक एट द प्ले जोन पूरी तरीके से रुइंस के एरिया के अराउंड सेंट्रल करता हुआ। एंड अब यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर जोन बनता है तो टीम किटकैट के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। बट राइट नाउ द फाइट बिटवीन द प्लेयर्स ऑफ टीम मार्कोस गेमिंग एंड टीम प्रेडेटर X बाइट
लेट्स सी किस तरीके से ये जो PXBIT के प्लेयर है किस तरीके से ये फाइट निकाल के ले जाते हैं मार्कस गेमिंग के अगेंस्ट, या फिर मार्कस गेमिंग दे विल गेट दोज किल्स अपॉन द रिमेनिंग प्लेयर्स ऑफ टीम PXBIT. तीन प्लेयर्स हमें इस फाइट के अंदर देखने को मिलेंगे टीम PXBIT की तरफ से. कॉपर ट्राइंग टू थ्रो सम नेट्स, ट्राइंग टू डील सम डैमेज ऑन टू दैट एनिमी प्लेयर जो कि उस पोजीशन पे है ही नहीं. पर टीम मार्कस गेमिंग सूर्य की बात करें पीछे से फॉल करके आएगा, सी माइट जस्ट गो फॉर दैट ह्यूज राइट रोटेशन इफ ही वांट्स टू डू सो. नहीं तो जोन के अंदर एक बेहतर लोकेशन भी इनकी तरफ से निकाली जा सकती है. यूरिक मजीनो विजगॉड और सूर्य इस एरिया के अंदर हमें नजर आते हुए, बट लेट्स सी ओपोनेंट टीम्स जो है किस तरीके से खेल रहे. फिलहाल सूर्य की तरफ से उस राइट फ्लैंक की जो हम बात कर रहे थे दिखाते हुए वो किस तरीके से वो फ्लैंक जो है निकालना रहता है. बट टीम गॉड लाइक लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस सर्वाइव कर रहे टीम गॉड्स रिबॉर्न के प्लेयर्स, दे आर स्टिल सर्वाइविंग, गॉड्स हैवंट बीन एबल टू गेट कनेक्टेड ऑन टू देयर ओपोनेंट प्लेयर्स. डैमेज फॉर शॉट डील किया है बट नॉक अभी तक नहीं आया. सो टीम गॉड लाइक व्हाट डू यू थिंक ओरिजिन इज द रीजन फॉर देयर सफरिंग राइट नाउ. फॉर सेकंड गेम ऑल्सो दे डिडंट प्ले क्वाइट कन्विंसिंगली, थ्री ऑफ द प्लेयर्स रिमेन बट दे वरंट एबल टू गेट इवन अ सिंगल प्लेयर ऑफ किटकैट डाउन इन द फाइनल फाइट. व्हाट डू यू थिंक इज लैकिंग इन द प्लेयर्स ऑफ टीम गॉड लाइक राइट नाउ दैट दे आरंट एबल टू कन्वर्ट दोस गुड गेम्स इनटू अ चिकन डिनर. Yeah, I think Team Godel is perfectly fine. It's like some days it's just not your day. Sometimes whatever you do, the game doesn't turn in your favor. So that's what's happening with Godel. They're perfectly fine. I think they'll be able to take this fight easily as well. Until and unless someone makes a grave mistake like Brigger in the last situation which was in Painan. And we have the push, two members flanking in from the left side coming in. At the same time we have Team number 22, which is Team SOB from the long range, they might try to steal some kills for themselves. Sir, correctly said, Team SOB might also want to join this fight right now. But filhal, Godlike ke jo players hai, apne liye kill secure kar rahe. Team Gods Reborn ke jo do players hai, unke upar puri tarike se finish off nikal liya gaya. And is samay God Reborn ke jo player hai, वो सोच रहे हैं कि फॉल बैक किया जाए या फिर इस फाइट के अंदर कमिट करना है. ऑन द अदर हैंड मार्कस गेमिंग और KS की जो फाइट है वो भी चालू हो चुकी है. PXBIT के प्लेयर्स भी उस फाइट के अंदर थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुके हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू दैट फाइट ओवर हियर. PXBIT दे आर लुकिंग आल्सो टू स्टील सम केस, पीछे की तरफ से मूव किया जा रहा है. दिस स्पॉट साइन ऑफ को टेक डाउन करेंगे एंड टीम मार्कस गेमिंग विल गेट एलिमिनेटेड. बट द सेम थिंग माइट जस्ट बी सेड फॉर द प्लेयर्स ऑफ टीम KS एज वेल. अकेले प्लेयर इस पूरी फाइट के अंदर अब यहां पर बचे हुए हैं. IFTI और PXBIT के पूरी टीम जो है यहाँ पर चढ़ने वाली है इस अकेले प्लेयर के ऊपर. ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. ITFI काफी ज्यादा लो ऑन HP कर दिया गया. सैनॉक्स इज आल्सो ट्राइंग टू हील इन दिस पोजीशन राइट नाउ. 1v1s अगर यहाँ पर दोनों के दोनों प्लेयर्स अपनी टीम के लिए सिक्योर कर लेते काफी अच्छी तरीके से, तभी एक चांस मैं कहूंगा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा टीम KS के प्लेयर्स के लिए. बट अब हर दिशा से हर डायरेक्शन से यहाँ पर फाइट चलेगी उनके लिए और 5 का एक ग्रेनेड जाएगा. दोनों के दोनों प्लेयर्स उस ग्रेनेड का शिकार होते हुए एंड पूरी तरीके से फिनिश ऑफ भी कर दिए जाएंगे. सो दैट परफेक्ट थर्ड पार्टी आई शुड से दैट वाज डिलीवर्ड ओवर देयर. मीनवाइल गॉड लाइक छोड़ चुके हैं यहाँ पर रिमेनिंग प्लेयर्स ऑफ टीम गॉड्स रिबॉर्न को और जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश करी जा रही है टीम फनाटिक. सरप्राइजिंगली द डूड यहाँ पर एक और फाइट लेके पूरी तरीके से फिनिश ऑफ हो गए एंड टीम फनाटिक दे फॉर श्योर कैपिटलाइज्ड ऑन दैट फाइट, जिस वजह से हमें उनके 8 किल्स देखने को मिल रहे हैं. बट दिस गाय ऑरेंज रॉक मावी अकेला प्लेयर आया है. दो प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने पिक ऑफ कर लिए हैं एंड ही इज स्टिल सर्वाइविंग. अपनी टीम को टॉप 8 के अंदर यहाँ पर ला चुके हैं विद 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स एज वेल. एंड फिलहाल जोन के अंदर मूवमेंट देने की इनकी तरफ से जद्दोजहद रहने वाली है. 350 meters आसान नहीं रहने वाला है जोन के अंदर बढ़ना. बट लेट्स सी विल ही बी एबल टू मूव. एंड Origin, what do you think? Will you expect a water zone this one? Because I have never seen a water zone in my whole casting career. Do you think that this we might just see a water zone in this map of Sanhok? No, I don't think it will be a water zone, but it will be pretty close to Team KitKat, I think. So, I just hope it will be pretty much between Team PXBIT and Team KitKat near the Trambang area. Okay, so you just ruined my dream over there because whatever you say is going to be correct. So let's see if the zone goes towards that area. I am very wholehearted to see that water zone over there. But जैसा कि आपने कहा generally coding ऐसी कर जाती है maps की कि main island पे ही zone बने. But let's see किस तरीके का zone shift. बिल्कुल Tambang और Nakham के बीच में होता है. Literally एक central shift लिया है zone ने. तो ज़्यादा most of the teams they are already inside the zone. इनको भी ज़्यादा rotate करने की ज़रूरत नहीं है. But meanwhile, God like a place. PXBIT का game.
39 यहां पर एक और नॉक निकालते हुए स्टॉकर के ऊपर टीम पीएक्सबीआईटी आर इन दिस फाइट ओवर रहित के ऊपर फाहिम जो है किल सिक्योर करेंगे। स्मोकी को काफी ज्यादा लेट किया था बट नॉक देखने को नहीं मिलेगा। बट क्या टीम गॉडलाइक के प्लेस दो नॉक्स निकालने के बाद पुश इन करेगी स्मोकी लीडिंग द चार्ज फॉर हिज टीम ट्राइंग टू गो फ्रॉम दैट राइट हैंड साइड राइट डायरेक्शन से यहां पर क्लोज इन करने की कोशिश है। ग्रेनेड डाला जा रहा है स्मोकी की तरफ से बट ये ग्रेनेड किसी भी तरीके का डैमेज जो है डील नहीं करेगा टीम नंबर 16 के प्लेयर्स के ऊपर। किसी भी तरीके की यहाँ पर जो है टीम गॉडलाइक की जो कोशिश है पीएक्सबीआईटी के प्लेयर्स को हार्म करेगी क्योंकि 2-2 का स्प्लिट खेला जा रहा है। स्टॉकर ऑल तो नॉक कर दिया गया है बट सक्सेसफुली रिवाइव भी करा जाएगा उसको एसओबी के प्लेयर्स के ऊपर। अब हमें यहाँ पर शॉट्स लेते हुए देखने को नजर आएंगे टीम नंबर 7 के प्लेयर्स टीम सेल्स the team that this guy predicted origin predicted right now and they are also playing quite brilliantly over there. ek kill already nikal chuke hai sob ke against fight ke liye already start kar di gayi hai ek player ko knock aur finish kiya gaya hai and this fight is looking quite easy for the players of team galaxy racers cells villain 07 ek bar aayenge yashira ke upar ek kafi khoobsurat knock nikalte hue max ka junayat ke upar knock nikale to team sob दो डायरेक्शन से यहाँ पर पिंसर्ड अपॉन हो चुकी है और अब यहाँ पर टीम फनाटिक के प्लेयर्स का पुश भी आ चुका है फाइनली टीम एसओबी के प्लेयर्स को एलिमिनेट करने के लिए। यूटिलिटीज ग्रेनेड सारी की सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाने वाला है। जनायत के ऊपर किल सिक्योर किया जाएगा सेल्स विलियन 07 की तरफ से एंड याशिरा गेट कंप्लीटेड आउट बाय दैट प्लेयर ऑफ टीम सेल्स गैलेक्सी रेसर्स एज वेल। फनाटिक के प्लेयर का जो नॉक था वो स्टील हो गया सो काफी ज्यादा नाराज रहने वाली है टीम फनाटिक। बट राइट नाउ दे हैव टू मूव इनसाइड द जोन। रॉक्स का ग्रेनेड जाएगा एंट्री को पूरी तरीके से तो टीम एसओबी सोल्स ऑफ बीडी सोल्स ऑफ बांग्लादेश हैव आल्सो बीन एलिमिनेटेड इन दिस वन। Meanwhile, team Fnatic trying to move inside the zone. Max, Kash और Ash यहाँ पर देखते हैं दोनों Ashes जो है किस तरीके से यहाँ पर टीम Galaxy Racers के players के against ये fight लेते हैं क्योंकि Galaxy Racers की बात करें काफी ज़्यादा split है, well split across the area that they are trying to conquer and team Fnatic के players उनको यहाँ पर किसी ना किसी player पर knock निकालना पड़ेगा। Villain को spot किया गया Ash की तरफ से shots लेने की कोशिश थी but Max, Kash finally jumping inside that water। अब यहाँ पर मछली बन के अपना जो पूरा game है वो बिताना चाहेंगे टीम फनाटिक के प्लेयर्स जो है सक्सेसफुली ऊपर आके इनको सांस भी लेनी रहेगी तो ये सारी चीजों को पूरी तरीके से गैलेक्सी रेसर्स के जो प्लेयर्स हैं एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे एंड वी ऑलरेडी कैन सी ब्लिज़र्ड एंड रॉक्स ओवर देयर पूरी तरीके से अग्रेसिव जा रहे हैं। बट अगर ज्यादा ओपन में आए तो यहाँ पर टीम नंबर 10 टीम किटकैट के प्लेयर्स के हाथों चढ़ सकते हैं अगर यहाँ पर स्पॉट किया जाता है। बट द नेक्स्ट जोन इज ऑल्सो इन देयर फेवर। इस बार अगर जोन की अगर एक बार हम बात करें ओरिजिन तो एक मुझे लगता है 50-50 जोन हम ओके नॉट 50-50 बट 20-80 लाइक जोन जो कि अभी भी पानी के अंदर है तो मेरी उम्मीद है अभी भी 20% जो है कायम रहेगी एक वाटर जोन के लिए। बट लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर ये जो प्लेयर्स है फिलहाल गेम को खेलते हैं। मछलियां बने हुए टीम फनाटिक के प्लेयर्स होपिंग कि इनको स्पॉट ना किया जाए बट पीछे से वार मवी यहाँ पर मैक्स अक्षत को स्पॉट करेंगे नॉक किया जाएगा मावी की तरफ से काफी खूबसूरत 120 मीटर जोन। इस प्लेयर को जोन के अंदर जाना है तो मुश्किल काफी ज्यादा रहने वाली है। लेफ्ट साइड से रोटेट करने की कोशिश है मावी की तरफ से दो फर्स्ट एड्स है फर्स्ट एड्स भी ज्यादा नहीं है सो ऑरेंज नॉक के इस प्लेयर को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। बट ये प्लेयर ऑलरेडी पहले भी मुश्किलों से हार नहीं मानता है फेस करता है एंड काफी बार सोल्यूशन भी निकालता है। ऑन द अदर हैंड नियॉन गैलेक्सी रेसर्स के रॉक्स के ऊपर नॉक निकालते हैं रिकॉर्ड लाइन के प्लेयर्स नाउ आर गेटिंग पुश्ड अपॉन बाय द प्लेयर्स ऑफ टीम B4N। हां सोलो यहां पर एक नॉक निकालेंगे ऑन टू गॉडलाइक्स अलादीन गॉडलाइक 39 ही इज जस्ट अ सिंगल गाय इन दिस एरिया। स्मोकी की बात करें तो आई गेस राइट साइड का एक एरिया कवर करने की कोशिश है या राइट साइड की तरफ जाना चाहेंगे। स्टॉकर की बात करें तो काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं इस एरिया के ग्रेनेड्स आर कमिंग इन एंड 39 को भी नॉक निकाला जाएगा स्टॉकर की तरफ से। अकेले प्लेयर यहां पर टीम गॉडलाइक के लिए बचे हुए हैं। अब स्मोकी ही माइट जस्ट गेट स्पॉटेड डाउन बाय स्टॉकर इन दिस वन क्योंकि जोन के अंदर भी बढ़ना पड़ेगा। सेल्स विलियन 07 फनाटिक के लास्ट मैन स्टैंडिंग एश को भी टेक डाउन करेंगे। काया ऑन दी अदर हैंड आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम के लिए अकेले प्लेयर बचे हुए हैं। कॉपर को स्पॉट करेंगे कॉपर को नॉक भी करेंगे पीछे से पीबी पीएक्सबीआईटी के प्लेयर थर्ड पार्टी होते हुए स्टॉकर को पीछे से नॉक किया गया था गॉड लाइक के प्लेयर्स की तरफ से जो कि अब प्ले जोन से एलिमिनेट होने वाले और स्मोकी ही इज स्टिल सर्वाइविंग आउट दैट हील बैटल करने की कोशिश है स्मोकी की तरफ से बट टीम पीएक्सबीआईटी इन ग्रेव ट्रबल। काया के काफी ज्यादा क्लोज यहाँ पर लॉर्ड भी पहुंच चुके रिवाइवल्स के लिए बट टीम को यहाँ पर टेक डाउन करते हुए स्मोकी चार्जिंग इन फ्रॉम अनदर डायरेक्शन ही हैज बीन एबल टू गेट इनसाइड दैट गुड एरिया एज वेल। टीम नंबर 18 पीएक्सबीआईटी इसे ग्रेनेड का शिकार हो सकता है पूरी तरीके से तो ग्रेनेड विल गो इन एंड टीम कॉपर के ऊपर नॉक निकाला जाएगा। हां सोलो अकेले प्लेयर बचे हुए अब यहां पर
जाते जाते और कितने किल्स निकाल के जा सकते हैं ये क्वेश्चन रहने वाला है। किल सिक्योर करने की कोशिश में यहाँ दूसरी तरफ से लॉर्ड उनको स्पॉट करेंगे और पूरी तरीके से एलिमिनेट भी करेंगे। बट इन द मिडिल ऑफ ऑल दिस रकस टीम गैलेक्सी रेसर्स दे आर हेडिंग टुवर्ड्स अ येट अनदर चिकन डिनर राइट नाउ इन दिस वन। रॉक्स यहाँ पर शॉट्स लेते हुए ब्लिज़र्ड मैक्स अक्षित को पूरी तरीके से फिनिश ऑफ करेंगे। हाई रिच से यहाँ पर टीम किटकैट के पेस को नीचे आना है बट राइट नाउ रॉक्सी इज जस्ट ट्राइंग टू टेक सम शॉट्स अपॉन द प्लेयर्स ऑफ टीम नंबर 18। टीम गॉड्स रीबॉर्न के प्लेयर्स दिक्कतों में पड़ चुके हैं। लॉर्ड अकेले प्लेयर बचे हुए एंड विल लॉर्ड बी एबल टू टेक डाउन दिस प्लेयर ऑफ टीम गैलेक्सी रेसर्स सेंट्स। रॉक्स अकेले प्लेयर यहां पर चार्ज इन करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर डाउन टू द लास्ट थ्री टीम्स रिमेनिंग। टीम गैलेक्सी रेसर्स they might just get that chicken dinner and what are the odds of that is my question right now। two players mere hisab se yahan par challenge kar rahe hain is samay galaxy racers cell ke chicken dinner ko। ek rehne wale hai yahan par chal hard bkl and the other one is going to be the players from team world keyboard but yahan par चल हट बीकेएल एक किल और अपनी टीम के लिए कंफर्म करेंगे। नियॉन यहां पर प्ले जोन का शिकार हो चुके हैं बट टीम गैलेक्सी रेसर्स सेल्स दो प्ले जोन के अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। बिलियन ट्राइंग टू मूव इन टुवर्ड्स दैट कंपाउंड ओवर देयर। अगर यहां पर ये दोनों के दोनों प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देते हैं तो काफी अच्छा चिकन डिनर आ सकता है। रॉक काफी धीरे धीरे कवर कर देना चाहेंगे। चल हट बीकेएल यहां पर स्पॉट कर लिए गए हैं। बिलियन को भी स्पॉट किया था। बिलियन के ऊपर नॉक भी निकाला जाएगा एंड नाउ टीम किटकैट दे आर इन दैट कमांडिंग पोजिशन। कंपाउंड है उनके पास। चल हट Let this player of Team Galaxy Racers close up on him. और उसके बाद एक क्लोज रेंज फाइट ली जाए। रॉक्स प्री फायरिंग ईच एंड एवरी एंगल दैट चलहट बीकेएल कैन स्पॉट फ्रॉम द एफपीपी पे इंस्टेंटली स्विच कर सकता है टू गेट दैट मोर एफओवी। चलहट के ऊपर एक हेडशॉट भी करने करेंगे इंस्टेंटली बैरल के ऊपर स्विच करते हुए। फ्री फायर काम आएगा या नहीं? चलहट बीकेएल इज प्लेइंग दैट क्वाइट ब्रिलियंटली बट रॉक्स से ज्यादा नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर टीम गैलेक्सी रेसर्स सेल्स एंड Origin, I am just like throning down in front of your feet right now. Galaxy Racer said they get that chicken dinner with 10 kills, 3 back to back predictions, all of them correct, and I am just mind boggled by you. It just happened. Even I am shocked. How did they predict that right? But yeah, Team Galaxy Racer said they played really well and. Unlike everyone, they made a really long rotation from the southward side, completely towards the left. And from along the shore, they actually came in right inside the center of the zone. And they were really lucky because if the zone actually shifted towards ruins, then it was the team KitKat which would be in favor because they were the ones who cleared the other team at ruins at first. But the zone took a southward direction shift, and that's when Team Cells were the first ones to enter kind of towards the center of the zone, and they had a really good chance and advantage for the other teams. ओके सो दिस ये तो बात हो गई भाई पहले गेम की। ये बात तो ये बात के गेम की, मैं बात कर रहा हूँ पहले गेम की। ये इतने एक्यूरेट प्रिडिक्शन, लिटरली टीम का नाम लिया वो टीम पहले गेम से। आई थॉट इट वुड हैव बीन एजुकेशनल गेस कि टीम फनाटिक, ऑब्वियसली वी हैव मेनी सपोर्टर्स ऑफ टीम फनाटिक, ओरिजिन माइट बी वन ऑफ देम। ओके नो प्रॉब्लम। सेकेंड गेम टीम किटकैट। ओके आई अग्री टीम किटकैट। मेनी ऑफ द प्लेयर्स, मेनी ऑफ द व्यूअर्स दैट वी हैव राइट नाउ, दे सेड दैट टीम किटकैट इज टीम सोल। सो आई थॉट यू माइट बी अ फैन ऑफ टीम सोल, सो यू चोज किटकैट एंड यू गॉट दैट चिकन डिनर। बट गैलेक्सी रेसर्स सेल्स, दे डिडंट इवन परफॉर्म दैट ब्रिलियंटली इन द फर्स्ट टू गेम्स, बट कमिंग इन द मैच एट दैट स्पॉन आइलैंड, आई थिंक दैट टीम गैलेक्सी, आई एम गोइंग टू सपोर्ट टीम गैलेक्सी रेसर्स। आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर बट आई एम गोइंग टू, एंड दैट हैपेंस। गैलेक्सी रेसर्स सेल के चिकन, दैट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग, दैट इज जस्ट अमेजिंग। आपके दिमाग में कोई ना कोई एक ऐसी चिप है जो कि आपको फ्यूचर बता रही है और इसका बेहतरीन तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कोई बात नहीं, आई एम नॉट दैट गुड एट हिंदी बट आई थिंक भविष्यवाणी बोलते हैं इसको, तो ये हो गया बस आज के लिए, हो गया कल से नहीं होगा, फिर से देखते हैं क्या होता है। ओके सो या गाइस, दिस वाज द फाइनल मैच फॉर द डे। स्क्रीन के ऊपर आपको जो है सारे के सारे स्टैंडिंग्स देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर गेम के अंदर। चिकन डिनर टीम गैलेक्सी रेसर सेल्ट, बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऑलरेडी ओरिजिन ने जो है प्रेडिक्ट कर दिया है। 10 किल्स के साथ निकाला इन्होंने अपना चिकन डिनर। सेकंड पे इस बार टीम किटकैट, मैं कहूँगा लास्ट में आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड ओवर देयर। चलट बीकेएल ही हैड द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन, ही हैड दैट कंपाउंड। Galaxy Racer Cells, Rocks was a person who was pushing in from that open area.
But still, he managed it somehow. Say it, experience, say it, anything. But Team Galaxy Racers said they just played it out brilliantly and chicken dinner ko apne bag mein dala. Third position ki baat kare, to Team Gods Reborn aati hai 3 kills ke saath. Fourth pe Team PBXIT aati hai with those 8 kills. And rest of the standings are right in front of you guys. So yeah guys, this was the final match for the day. And ab yahan par time aa chuka hai hamara juta lene ka. So if you did enjoy our commentary, do not forget to follow us on our socials. The links will be given down in the description below. And do follow Origin Gaming. Aapko koi bhi scrim hai, T1 scrim hai, koi bhi tournament ka final khel rahe ho, chicken chahiye, Origin ko DM karo. He will just take your name and you are going to get that chicken dinner so easily. So yeah guys, this was it for today. And if you enjoyed the commentary, bata chuka kya kya karna hai. And if you did, there is a link down below. Buy me a coffee. Agar aap chahte ho hum coffee piye, you can give us donations there as well. So Origin, any last parting words to our viewers? Yeah, to all the viewers, thank you very much for watching and being really, we experienced a lot of toxic people today. It was full of positivity and we were really shocked actually. And hats off to all of you for watching our channel and being so positive today and supporting all your respective teams and all the teams from both Bangladesh as well as India. Hats off to you guys. You did really well and I hope you guys do better by the next time we host a similar. Actually, we have another day left. So I think tomorrow we'll be looking forward for all the other teams which didn't get to perform well today. So we'll be looking forward for your performances as well. And to all the audience, once again, thank you very much. And please do not forget to subscribe to our channel and also hit the like button and share to your friends as well. Maybe you can watch this awesome games which happened today tomorrow again along with your friends and discuss what happened. So yeah guys, this was it for today. Milte hum ab aapko kal, same time, same place. Tab tak ke liye guys, take care, bye bye. My name is Fritz, with me is Origin. We sign out. Girls with the nails done.